गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग और कैसे हो मेरे यकीनियंस कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई सब बढ़िया शानदार तो भैया सबको गुड मॉर्निंग अब आज चैप्टर अपना अच्छे लेवल पे चला जाएगा आज चैप्टर अपना अच्छे लेवल पे चला जाएगा और आज की क्लास सबसे मतलब बोलते हैं ना आज बेसिक्स में मेथर्मोनाइस मतलब लास्ट टू डेज से बहुत थ्योरी थ्योरी टाइप चीज़ें थी लेकिन हाँ आज की क्लास से एक डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा आज की क्लास से ये चैप्टर आपका हो सकता है और यह चैप्टर आपका नहीं भी हो सकता है तो इसीलिए आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा अच्छे से अच्छे से अटेंड करनी है और भाई साहब हाँ भाई सबको गुड मॉर्निंग राधे राधे सबको ठीक है चलो

देखो यार इतना है कि तुम आ, ये पीडब्ल्यू का प्लेटफॉर्म या ये सब चीजें ठीक है ये सब कुछ इतना हम लोगों के पेट पालने के लिए पैसे दे रही है तो हमें पैसे ही आए बस तुम्हारा प्यार चाहिए और तुम लोगों का सिलेक्शन चाहिए ऐसा लगना चाहिए कि हाई भाई इंडिया किसी भी कोने में जाए किसी मेडिकल कॉलेज में पहुंचे या किसी और तो मतलब उसमें पहुंचा जाए तो पता चले कि हाँ भाई पीडब्ल्यू के लोग हैं सब के सब हाँ तो एकदम सेलिब्रेशन में आप सबका इंतजार रहेगा लेकिन हाँ सेलिब्रेशन को करने के लिए उस सेलिब्रेशन अपने जो लोग बैकलॉग वाले लोग हैं या जो लोग थोड़ा सा या नहीं करते उन लोगों के लिए खासकर एक एग्जाम्पल है कि एक, तुम से सोचो कि मैं एक काम करता हूं मैं आज जिम ज्वाइन कर लेता मैं आज एक दिन जिम ज्वाइन कर लेता एक बच्चा आया एक दिन जिम ज्वाइन कर लिया बोला कि अरे सर मैंने जिम ज्वाइन किया बॉडी एकदम सिक्स पैक बनाऊंगा ऋतिक रोशन वाली बॉडी बनाऊंगा अगर सोचो मैं ऐसा सोच लू और मैं एक दिन जाऊं जिम में जाके एक्सरसाइज करूं दो घंटे चार घंटे और फिर मैं आके फिर मैं आके आराम से शीशे के सामने खड़ा होकर देखूं कि यार मैं कितना फिट हो गया हूं तो मैं लगता है डिफरेंस दिखेगा मुझे सर अगले दिन फिर से जाऊं चार घंटे एक्सरसाइज करके आऊं और फिर से अगले दिन खड़ा हो जाऊं नहीं दिखेगा ना डिफरेंस ये जो छोटे छोटे डेली जो इवेंट हो रहे हैं इससे डिफरेंस नहीं दिखेगा अगले दिन डिफरेंस नहीं दिखेगा दो दिन बाद डिफरेंस नहीं दिखेगा अगर कोई बच्चा आया बोले कि नहीं सर अरे सर आपको तो फर्क नहीं पड़ रहा जिम जाने से काम करो जिम छोड़ दो अगर मैं उसमें बैकलॉग बना लूं तो एक साल बाद मेरी पोजीशन ऐसी ही रहेगी जैसे पहले थी लेकिन अगर मैं ये डेली डेली छोटे छोटे एफर्ट्स करता रहा डेली अपने वर्क पे काम करता रहू डेली जिम डेली डेली मुझे पता है कि कल कोई बात नहीं अभी दस दिन में फर्क नहीं पड़ेगा बीस दिन में फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब मेरी बॉडी अच्छी हो जाएगी तुम्हें भी पता है कि एक दिन ऐसा आएगा तो वही एक दिन अपने पास आने वाला है और वो नीट 2024 का दिन है नीट 2024 का दिन है वो दिन आपका आएगा लेकिन वो दिन एक दिन हमें दिखता है अरे इस दिन रिजल्ट आ गया नहीं सर उसके पीछे आठ दस महीने एक साल की मेहनत होती है तो वो सारी मेहनत दिखाने का टाइम है ठीक है ना तो ट्राई करो अब की बार एम्स पार हां एम्स में पहुंचेंगे और क्या यार बैकलॉग भाई जिन लोगों का है यार एक मैं कल ही देख रहा था अलग सर का एक वीडियो आया हुआ है कि बैकलॉग पे भैया काम चोरी कर रहे हो बैकलॉग हो गया है तो फास्ट करो माना कि मैं रेस में लेट आया हूँ माना कि मैं रेस में लेट आया हूँ यहां में थोड़ा लेट हो गया इसका मतलब नहीं कि मैं वेट करूंगा कि भैया एक काम करिए सब लोग रुक जाइए एक बच्चा बोलता है एक बच्चा ने इंस्टाग्राम पे बहुत अच्छा मुझे वो मैसेज किया है कि सर आप एक काम कीजिए ना दो चार दिन की छुट्टी दे दीजिए तो उससे क्या होगा ना कि सर मतलब हम लोग का बैकलॉग कवर हो जाएगा मैंने कहा तुम्हारा दो चार दिन में खत्म हो जाएगा कुछ लोग होंगे जिनका दस दिन में खत्म होगा कुछ लोगों का होगा बीस दिन में खत्म होगा तो ऐसे तो बेटा चले जाएंगे ठीक है ना तो बेटा बैकलॉग जो है कुछ नहीं थोड़ा सा स्पीड पकड़ो थोड़ी सी मतलब होता ना कि जब आपने पता चल गया है कि यार रेस में पीछे हो गए तो कोई बात नहीं तेज दौड़ना शुरू करो बैकलॉग है तो बैकलॉग खत्म करने की कोशिश करो यार ये नहीं कि दूसरों की लाइन मतलब अरे सर आप रुक जाओ एक बच्चे ने तो कल बहुत लिखा था कि सर आप इतना आगे जाके करोगे क्या मुझे ऐसे बोल रहा रहे सर आप इतना पहले सिलेबस खत्म करके करोगे क्या मैंने कहा भाई क्या बोलू मैं बोला सर आप फास्ट चल रहे हो आपकी स्पीड सर आप ना पता नहीं किसको टच करने की कोशिश कर रहे हो मैंने कहा अच्छा भाई आ भाई हो सकता है उसको अपने वो अपने हिसाब से उसने सही बोला मुझे एक टाइम को मुझे खुद को लगा कि मैं सही में भाई जाके पिछले साल के लेक्चर देखे मैंने कहा भाई फास्ट हो गया क्या मतलब ऐसा तो नहीं फास्ट हो गया ठीक है तो भाई देखो एक सिंपल सी बात है चीज़ों को ना अपने पॉजिटिवली सोचो और पॉजिटिवली सोचोगे तुम्हें एक चीज दिख जाएगी क्या मुझे हम सबको हम लोग वैसे लोगों को भी इस क्लास में वैसे भी लोग हैं और 70 80 परसेंट जनता अब तो इस यकीन बैच की ऐसी आ गई जो फ्लो में आ गई है तो 70 80 परसेंट जनता वो है जो बेटा जुलाई मतलब होता है ना शुरुआत से डे वन से लगातार लगी पड़ी है तो मैं उनके साथ चीटिंग भी नहीं कर सकता उनको जो प्रॉमिस किया गया है कि हाँ सिलेबस टाइमली पहले खत्म हो जाएगा टाइमली फिनिश हो जाएगा तो भैया उस सिलेबस को ना फिनिश करना एज ए टीचर मेरा भी काम है मैं झूठ नहीं बोल सकता ना बेटा मैं सीधी सी बात है मैं झूठ नहीं बोल पाऊंगा ना उस बच्चे की नजर में नजर नहीं मिला पाऊंगा जिस बच्चे को 680 आ सकते थे बट बिकॉज ऑफ मी या बिकॉज ऑफ सिलेबस डीली 630 आए 650 आए या 700 आ सकते थे तो उसको 625 पे लेके आ गया 650 पे लेके आ गया तो बेटा सिर्फ सिलेबस खत्म कर देने सेलेक्शन नहीं होगा सिलेबस के साथ साथ आपको प्रैक्टिस चाहिए आपको डीपी करना होगा आपको अपना बैकलॉग आपको रिविजन करनी पड़ेगी तो भैया ट्राई करो ठीक है ना कोशिश करते मानता हूँ तुम्हारे मन में बहुत सारे विचार होंगे तुम्हारे मन में ये भी होगा कि सर दो चार दिन का ब्रेक ले लो चीज़ें कर लो आपकी तबियत क्यों नहीं खराब हो रही आपकी तबियत खराब हुई तब भी आप क्लास ले रहे हो मैंने लास्ट लास्ट फ्राइडे वाली क्लास तो मैं ऐसा था कि ले ही लिया मैंने कहा नहीं यार मैंने सोचा है कि मैं फिनिश करूंगा तो एक टारगेट है तो वो करूँगा ठीक है कोई बात नहीं तो भाई ये मतलब ना खुद के अंदर थोड़ा चेंजेस लेके आओ एक रिक्वेस्ट है बाकी तुम्हारी मर्जी है मतलब एज अ टीचर एज अ बड़ा भाई जिन लोगों का बैकलॉग है जिन लोगों का कुछ पोर्शन पीछे सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर चाहोगे ना तो कर लोगे एक दिन में सोचोगे एक दिन में सारा बैकलॉग खत्म हो जाएगा नहीं होगा बेटा अगर मैं तुमसे तुम खुद डॉक्टर हो ना तुम खुद डॉक्टर बनने वाले हो मतलब बस नौ महीने की बात है आठ महीने की बात है खुद डॉक्टर बनने वाले हो तुम खुद एक बात बताओ मुझे तुम क्या किसी पेशेंट को बोलोगे कि सर एक काम कीजिए पेशेंट को बोलोगे कि सर देखिए सर तीन गोली डेली खानी है तीन कैप्सूल्स डेली खानी है फाइव डेज खानी तुमसे एक बच्चा आए बोले सर एक काम कीजिए तीन कैप्सूल कैप्सुलाइव डेज खानी है टोटल कितनी हो गई पंद्रह तुम खुद डॉक्टर बनोगे ना आठ नौ महीने के बाद तुम कभी किसी किसी, किसी को रिकमेंड करोगे कि बेटा एक काम करो एक काम करो पंद्रह गोली खा लो एक दिन में सर बात तो बराबर ही है बेटा नहीं होगी ना बात बराबर इसमें जान जा सकती है इससे जान बच सकती है बीमारी ठीक हो सकती है इससे जान जा सकती है दोनों में डिफरेंस है भाई तो ट्राई करना कोशिश करना भाई जितना हो सकता है अपने कंफर्ट से बाहर आओ रेस का पार्ट बनो इनस्टेड ऑफ़ कि अरे भाई मतलब थोड़ा सा टाइम मिल जाए या चीजें एक्सक्यूज खो दो सैटरडे संडे छुट्टी मिलती है सैटरडे संडे छुट्टी मिलती है सैटरडे संडे में स्पीड बढ़ा लो और कुछ नहीं ठीक है तो चलो भाई शुरू करें अब अपने को देखो हमारा स्पैमर आ गया है ठीक है चलो तो अब डीपीपी और इन सब चीजों की शुरुआत हो चुकी है आज थॉर्मल एनमी से बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भाई ठीक है बोल रहा है सब पंद्रह गोली में एक दिन में दे दूंगा हाँ भाई तो ऐसा अच्छा डॉक्टर बनेगा बहुत प्यारा डॉक्टर बनेगा यार। चलो ठीक है चलो देखो अपने पास मेरे पास क्या है थर्मोडायनोमिक्स में हम लोग लास्ट क्लास में पहुंच गए थे सर वर्क के पास हम लोग हीट और वर्क के ऊपर आ गए थे और हम लोग उसी के ऊपर थोड़ा सा आज चलने वाले हैं उसके बाद केबीडी कल होगा और केबीडी में थोड़ा सा किसी ने मुझे अच्छा सजेशन दिया है मैं भी चाहता हूं थोड़ा सजेशन वो लास्ट में डिस्कस करेंगे केबीडी को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए और उसने बहुत अच्छा एक सजेशन दिया है वो मैं अभी लास्ट में डिस्कस करेंगे केबीडी में क्या करना है और वो सजेशन अच्छा भी है तो हम लोग डिस्कस करेंगे हम लोग थर्मोडायनमिक्स से बात कर रहे थे कि थर्मोडायनेमिक्स में हमने कुछ चीजें सीख ली है मंडे

भैया ये सब छोटी छोटी चीजें मैं सिस्टम को जानता हूं सराउंडिंग को जानता हूं सिस्टम को जानता हूं सराउंडिंग को जानता हूं अब ये सिस्टम और सराउंडिंग सिस्टम और सराउंडिंग के अंदर अब हमने एक दो चीजें देखनी शुरू करी हमने पढ़ना शुरू किया कि सर हम प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम को जानते हैं प्रॉपर्टीज दो टाइप की एक प्रॉपर्टी जो इंडिपेंडेंट होती है ये प्रॉपर्टी इंडिपेंडेंट होती है इसको हम लोग नाम दे देते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी एक को बोल देते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एक इंडिपेंडेंट एक एक्सटेंसिव एक मास पे डिपेंड करती है एक मास पे डिपेंड नहीं करती है फिर हमने यह देखना शुरू किया कि सर मेरे पास मेरे पास मेरे मेरे फंक्शन फंक्शन जो होंगे होंगे। वो दो टाइप के एक रिश्तेदार स्टेट फंक्शन की तरह बिहेव है करते हैं और एक जो मैं खुद पाथ फंक्शन की तरह बिहेव करता हूं डेली का डेली मेहनत कर रहा हूं चुपके से ये मेहनत चल रही है तो स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन ये सब किया था यह पहली क्लास में कर लिया था कल की क्लास में कल की क्लास में मैंने कुछ चीजें और बतानी शुरू कर दी कल की क्लास में मेरे पास कुछ लोग आए थे मैंने कहा यार दो पाथ फंक्शंस पढ़ने दो पाथ फंक्शंस हमें पढ़ने हैं इस चैप्टर में दो पाथ फंक्शंस हैं हीट और वर्क डन बाकी सारे के सारे स्टेट फंक्शन आएंगे दो ही पाथ फंक्शन है हीट और वर्क डन ध्यान से देखना कल मैंने हीट को हीट को अगर मैं समराइज करूं अगर हीट को समराइज करूं तो मेरे पास दो टाइप का हीट था एक को बोलते हैं लैटेंट हीट ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे दिया हुआ हीट है सर इसको ql से लिखेंगे और ql का फार्मूला m into l होगा मुझे बताओगे l का फॉर्मूला अगर मोल्स पर सॉरी मोल्स पर जूल्स पर ग्राम है तो मास किस में होगा सर मास किस में होगा अगर l का फार्मूला m into l l का यूनिट जूल्स पर केजी है तो सर मास किस में लेंगे इसमें मास किस में लेंगे जल्दी-जल्दी बताओ अगर n l ये क्या हो गया जूल्स पर मोल हो गया तो ये तो मोल हो जाएगा मुझे बताओ कि इन दोनों का मास सेम होगा या अलग अलग होगा इसका मास किस में लोगे इसका मास ग्राम में लोगे इसका मास किस में लोगे केजी में लोगे यही होगा सर

तीन टर्म आए थे मेरे लाइफ में देखना Q इज इक्वल्स टू C इन टू डेल्टा T इसको हम लोग क्या बोलते हैं हीट कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी जो होती है ये पूरे के पूरे बॉडी की होती है

एमसी डेल्टा टी इसको हम लोग क्या बोल देते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इसको हम लोग क्या बोल देते हैं स्पेसिफिक स्पेसिफिक हीट हीट कैपेसिटी कैपेसिटी इसको हम लोग क्या बोल देते हैं क्यू की वैल्यू क्या लिख देते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इसका यूनिट अगर मास ग्राम में ले रहे हो तो इसका यूनिट इसका अगर यूनिट देखोगे अगर मास ग्राम में ले रहे हो तो इसका यूनिट क्या आएगा इसका यूनिट क्या आएगा जूल्स पर कैलिवन पर ग्राम आ जाएगा एंड द लास्ट वन सर अगर एन सी एम डेल्टा टी है वेयर सी एम इज नोन एज मोलर हीट कैपेसिटी सी एम इज नोन एज मोलर हीट कैपेसिटी और इसकी वैल्यू जो होगी वो कितनी हो जाएगी जूल्स पर कैलविन

ग्राम लिखा है मतलब एक ग्राम को एक कैलुवीन राइज करने के लिए इतने जूस चाहिए एक ग्राम को एक कैलविन राइज करने के लिए इतने जूस चाहिए ये हो जाएगा ये हो जाएगा उसके बाद उसके बाद उसके बाद ध्यान से देखना अपने को हम लोगों को क्या मिलेगा मुझे किसी ने बोला साइन कन्वेंशन साइन कन्वेंशन हीट लॉस्ट बाय सिस्टम कहीं लिखा हुआ है अगर सिस्टम हीट लूज करता है हीट लॉस्ट बाय सिस्टम और हीट गेंड बाय सिस्टम बताओगे इन दोनों में सर साइन हीट लॉस्ट बाई सिस्टम का साइन क्या होगा हीट लॉस्ट बाई सिस्टम का साइन क्या होगा हीट लॉस्ट बाई सिस्टम का साइन क्या होगा क्या हो जाएगा हीट लॉस्ट बाई सिस्टम का अगर सिस्टम हीट लूज करता है अगर सिस्टम हीट लूज करता है हीट लॉस्ट बाई सिस्टम लिखा हुआ है तो वो क्या होगा नेगेटिव? और हीट गेंड बाई सिस्टम लिखा है तो वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव पक्का तो नेगेटिव और पॉजिटिव साइन कन्वेंशन पढ़ लिया था तो ये हमारा हिट था हमारे हिट के ऊपर ये बातें थी फिर हमने सर ये चीजें आपको फिर से डिटेल में कहा मिलेंगी फिजिक्स में अभी क्योंकि एनसीईआरटी मैंने कल ही बताया था कि एनसीईआरटी में दो तीन क्वेश्चन दे रखे हैं बेटा इसीलिए मैंने ये फिजिक्स का पोर्शन पढ़ाया अदरवाइज मुझे कोई इंटरेस्ट है नहीं इसको ऑब्वियस जिन लोगों को बहुत डिफिकल्ट लगा होगा कल या कुछ लोगों को लगता होगा नहीं सर ये तो फिजिक्स का है तो भाई कोई दिक्कत नहीं तुझे नहीं पढ़ना मत पढ़ फिजिक्स में केमिस्ट्री में दो तीन क्वेश्चन थे इसलिए कराया Okay. ये ध्यान से सुनना। अगली अगली चीज हमने क्या पढ़ी और आज उसी के ऊपर फिर से बात करेंगे हमने पढ़ा वर्क डन और वर्क डन जो होता है वर्क की बात करें तो, तो सर होता तो तो होता तो 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 होता है। तो है। में बात करें तो है, ठीक है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है ध्यान से देखना फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट और इसी को अगर मैं एरिया से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दू एरिया से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दू तो वर्क डन क्या हो जाएगा प्रेशर इनटू डेल्टा वी लेकिन सर बिकॉज़ ऑफ आईयूपीएसी बिकॉज़ ऑफ आईयूपीएसी कन्वेंशन आईयूपीएसी कन्वेंशन हम लोग क्या करते हैं इन केमिस्ट्री हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला जो होता है वो क्या लिखते हैं माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी या फिर माइनस पी एक्सटर्नल वी फाइनल माइनस वी इनिशियल वर्क डन हमेशा एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट होता है इसीलिए जरूरी नहीं एक्सटर्नल नहीं भी लिखा है तो आप भी आप ऑब्वियस है ना आप अपने अगेंस्ट वर्क करते हो ना आपका मन तो यही करेगा सो जाऊं लेकिन भाई आप अपने अगेंस्ट वर्क करते हो नहीं यार पढ़ते हैं यार करते हैं काम तो वर्कडन किस पे आएगा माइनस साइन क्यों लगाया बिकॉज ऑफ साइन कन्वेंशन सर यहां पे देखेंगे केमिस्ट्री का वर्क डन बाय सिस्टम केमिस्ट्री का वर्क डन बाय सिस्टम अगर केमिस्ट्री का वन वर्क डन बाय सिस्टम करोगे वर्क डन बाई सिस्टम करोगे सर इसका साइन क्या आएगा अगर केमिस्ट्री में वर्क डन हो रहा है सिस्टम वर्क कर रहा है या हम बोल सकते हैं कि एक्सपेंशन हो रहा है अगर मैं बोलता हूं कि एक्सपेंशन हो रहा है वर्क डन बाय सिस्टम या एक्सपेंशन हो रहा है इसका साइन क्या आएगा इसका साइन क्या आएगा वर्क डन बाय द सिस्टम मतलब सिस्टम अगर वर्क करेगा तो एनर्जी क्या करेगा लूज करेगा सिस्टम अगर वर्क करेगा तो एनर्जी क्या करेगा लूज करेगा और एनर्जी जब लूज करेगा तो साइन कन्वेंशन क्या बोलता है नेगेटिव साइन क्या बोलता है नेगेटिव और यही चीज अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम हो जाए डन ऑन द सिस्टम हो जाए सिस्टम पे कोई वर्क कर दे मतलब उसको कोई कंप्रेशन कर दे अगर कहीं कंप्रेशन हो रहा है अगर कहीं कंप्रेशन हो रहा है तो उस केस में क्या हो जाएगा उसका साइन क्या हो जाए आएगा पॉजिटिव आ जाएगा उसका साइन क्या आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा श्योर हो क्यों क्योंकि सर ऑब्वियस सिस्टम अगर वर्क करेगा तो एनर्जी लूज करेंगे और जब भी कहीं केमिस्ट्री में एक नॉर्मल बात बोली जाती है कहीं भी एनर्जी लूज करोगे तो उसका साइन जो होगा नेगेटिव होगा अगर कहीं आपके ऊपर एनर्जी कोई वर्क कर रहा है तो उसके ऊपर साइन क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा फिर हम लोग ये भी पढ़ चुके थे कि वर्क क्या होता है एरिया अंडर पी कर्व हो जाता है एरिया अंडर पी कर्व हो जाता है एरिया अंडर पी कर्व होता है एरिया अंडर पी कर्व हो जाता है वर्क डन क्या होता है एरिया अंडर द पी कर्व होता है Oke okay. एरिया अंडर द पीवी कर्व होता है अब एरिया अंडर द पीवी कर्व वर्क डन ये सब फॉर्मूला आपके पास है फॉर्मूला आपके पास है तो एक काम करते है अब कल की क्लास तक हमने ये सब चीजें डिस्कस करी थी कल तक हमने ये सब चीजें डिस्कस करी थी आज एक काम करते हैं वर्क डन के ऊपर थोड़ा और डिस्कशन करते हैं और आज हमारे पास लॉज ऑफ थर्मोडानेमिक्स आने वाला है इंटरनल एनर्जी बहुत कुछ आने वाली है एक्साइटिंग सी तो आज उसको डिस्कशन करते हैं ठीक है ध्यान से सुनना अपने पास ध्यान से देखना अब मुझसे किसी ने बोल दिया सर कहना कितना आसान है कितना आसान है अंडर पीवी कर्म लेकिन एरिया अंडर पीवी कर्म निकालने के लिए जब आप क्वेश्चन करने जाओगे जैसे मैं एक क्वेश्चन देता हूं चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दे दू कैलकुलेट कैलकुलेट वर्क डन क्या दिया हुआ है ध्यान से देख लो अपने पास प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ दिया है यह फाइव है प्रेशर एटीएम में है प्रेशर एटीएम में है इसकी वैल्यू जो है इसकी वैल्यू थ्री है इसकी वैल्यू टू है इसकी वैल्यू फोर है मुझसे किसी ने बोला कि सर वर्कडन कैलकुलेट कर दो ए से बी का ए से बी का अगर ए से बी जा रहे हो ए से बी जा रहे हो ए से बी जा, जा रहे हैं तो वर्कडन कैलकुलेट कर दीजिए इसका वर्कडन निकाल दीजिए इस प्रोसेस का वर्कडन निकाल दीजिए वॉल्यूम किस में है लीटर्स में है मुझे वर्कडन निकालना है किसमें जूल्स में निकालना है देखना ध्यान से देखना कैसे निकालेंगे सब लोग थोड़ा ध्यान से देखना एक क्वेश्चन मैं कर देता हूं फिर आप लोग अपने हिसाब से इसको अटेम्प्ट करके देखना इसको देखना कैसे करेंगे मुझसे किसने बोला सर इसका वर्क डन निकालना है कैसे निकालूंगा मुझे इतना पता है कि सर आप क्या बोल रहे थे वर्क डन का वर्क डन का जो मैग्नीट्यूड होता है वो किसके अंडर होता है एरिया अंडर पीवी वी कर एरिया अंडर पीवी वी कर एक काम करते हैं ए बी इसको सी मान लेता हूं इसको डी मान लेता हूं इसको ई मान लेता हूं सर एरिया अंडर डी पीवी कर मतलब एरिया ऑफ क्या बोल सकते हैं या तो ट्रेपीजियम का निकालने आता है तो ट्रेपीजियम का निकाल दो और नहीं तो जिन लोगों को ट्रेपीजियम का एरिया नहीं निकालने आता एरिया ऑफ सर क्या हो जाएगा रेक्टेंगल बी ई बी सी बी सी डी ई ऐसे लिख सकता हूं सर एरिया अंडर पीवी कर मतलब वर्क डन निकालना है तो मैं क्या करना चाहता हूं इसके अंदर का एरिया कैलकुलेट करना चाहता हूं इसके अंदर का एरिया कैलकुलेट करना चाहता हूं एरिया कैलकुलेट करना चाहता हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है देख लो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा वन बाई टू बेस इन टू हाइट बेस कितना है बेटा टू हाइट कितना है आपका हाइट कितना है टू प्लस एरिया ऑफ ये रेक्टेंगल रेक्टेंगल का इसका लेंथ कितना है अपने पास ये दो है और इसका कितना है टू है तो टू इन टू थ्री देख लो अपने पास यहां से लेकर यहां तक हाइट थ्री है इसका चौड़ाई कितनी है टू तो ये देख लो कितना हो गया टू प्लस सिक्स टू प्लस सिक्स एट लीटर ए टी एम आ गया एट लीटर ए टी एम आ गया और अगर कोई जूल्स में पूछेगा तो एक कन्वर्जन याद रखिएगा वन लीटर ए टी एम इज वन जीरो वन पॉइंट थ्री जूल्स या फिर इसी को अप्रोक्सीमेटली हंड्रेड जूल्स मान लेते हैं अगर कैलकुलेशन में कहीं पूछेगा तो याद रखिएगा इसको मैं चाहूं तो एट इंटू वन जीरो लिख सकता हूं एग्जाम हॉल में हंड्रेड से बस मल्टीप्लाई कर देना वर्क डन आ जाएगा ये वर्क डन एक, एक ध्यान से एट जूल्स नहीं आएगा बेटा आठ जूल नहीं आएगा ये लीटर में है देखो वॉल्यूम का डायमेंशन क्या है लीटर इसमें कितना है एटीएम तो लीटर इंटू एटीएम किया क्या आ जाएगा वर्क डन ऐसा आ जाएगा और ये ध्यान रखना जूल्स में आंसर एटीएम है बेटा मैंने आपको नहीं बोला आपको अटेम्प्ट करने के लिए टॉन्ट वरी आप कोई भी अगर पहली बार कर रहे टेंशन मत ले मैंने ये क्वेश्चन में खुद अटेम्प्ट करके दिखाया अगला क्वेश्चन तुझसे करवाऊंगा भाई टेंशन मत ले पहले ये सीख ले कैसे निकाला मैंने मैंने क्या किया एरिया अंडर पीवी कर्व निकालना है तो मैंने ऐसे निकाल दिया अच्छा चलो ये मैंने मैग्नीट्यूड निकाला मैंने ये मैग्नीट्यूड निकाला मुझे एक बात बताओ इसका आंसर क्या आएगा माइनस आएगा या प्लस आएगा ये वर्क डन क्या है एक्सपेंशन है या कॉन्ट्रैक्शन है जल्दी जल्दी सोचो ये वर्क डन ये मैग्नीट्यूड निकाला है बेटा अगर तुमसे कोई वर्क पूछ देगा यहां पे वर्क ए बी की वैल्यू पूछेगा देखो मैग्नीट्यूड तो आ गया कि सर एट लीटर एटीएम लिख दिया या फिर एट इंटू मतलब एट इंटू वन जीरो तो आपको मैग्नीट्यूड आ गया बेटा अगर आपसे कोई वर्क डन ए से बी का पूछ रहा है मुझे बताओगे एग्जैक्ट कि सर इसमें क्या आएगा प्लस में रखूंगा या माइनस में देखो क्वेश्चन देखो देखना दोनों का इंपॉर्टेंस है बेटा प्लीज समझना मैं पहला क्वेश्चन दे रहा हूं इसलिए मैं खुद कर रहा हूं आप पहले सीखो मैंने आपको क्या बोला है वर्क डन एरिया अंडर द लोगे मैग्निट्यूड लेकिन भैया ये देखना एक्सपेंशन हो रहा है क्या एक्सपेंशन हो रहा है फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम से ज्यादा है तो भैया क्या हो जाएगा ये कितना लिख दू माइनस एट लीटर ए टी एम लिख सकता हूं या फिर माइनस एट इंटू वन जीरो वन पॉइंट थ्री जूल्स लिख सकता हूं ठीक है तो ये समझ जाओ वर्क डन निकालना है सर वर्क डन निकालना है एक्सपेंशन कर रहे हो एक्सपेंशन कर रहा है मतलब सिस्टम वर्क कर रहा है अगेंस्ट काम कर रहा है तो यह कर लेंगे हो जाएगा नेगेटिव अगला क्वेश्चन कर लोगे एरिया अंडर द कर्व निकालना एरिया अंडर द कर्व तुमने फिजिक्स में पता नहीं कितनी बार निकाला होगा निकाल लोगे तुम लोग बता दो यस या नो बता दो फिर मैं क्वेश्चन देता हूं अगला क्वेश्चन मैं नहीं अटेम्प्ट करूंगा तुम लोग करना ठीक है एरिया निकालना है बेटा एरिया एरिया क्या बात कर रहे हो फिजिक्स में एरिया बेटा इसका एरिया इतने बड़े चीज का एरिया निकालना है तो मैंने इसको डिवाइड कर दिया कितने पोर्शन में ये ट्राइंगल में डिवाइड कर दिया और ये रेक्टेंगल में डिवाइड कर दिया आई थिंक सबने काइनेमेटिक्स पढ़ लिया एरिया अंडर द कर्व निकाल लिया होगा हाँ ठीक है एक्सपेंशन कैसे हुआ भैया ये क्या है ये दो लीटर से चार लीटर जाता है अच्छा ये भी बताना पड़ेगा कि भैया वॉल्यूम बढ़ रहा है तो इसको एक्सपेंशन बोलते हैं वॉल्यूम कम हो रहा है तो एक्सपेंशन कम बोलते हैं ठीक है ठीक है नहीं कुछ लोग हैं थोड़ा सा वो चल रहा है उनका अपना उनको उन्होंने कसम खाई है कि नहीं भैया एक्सपेंशन समझ नहीं आया ऑब्वियस एक्सपेंशन कैसे समझ में आएगा वॉल्यूम बढ़ने को ही एक्सपेंशन बोलते हैं शायद अगर तुम बढ़ जाओगे तो इसको एक्सपेंशन बोलते हैं बेटा डिक्शनरी में देखो एक्सपेंशन का मतलब होता है जब वॉल्यूम बढ़ जाए आपको दिखना चाहिए बेटा एग्जाम हॉल में कि वॉल्यूम देख लो दो लीटर से चार लीटर हो रहा है अब इसी को एक्सपेंशन बोलते हैं ठीक है माइनस क्यों हुआ? क्योंकि एक्सपेंशन वर्क डन बाय कहां हो यार एक्सपेंशन को क्या बोलते हैं पॉजिटिव है? 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 चलो शुरू करें चलो भाई अब देखना अपने पास मुझे किसने बोला कि सर अब क्वेश्चन बता दो किसी ने दे दिया कि सर कैलकुलेट वर्क और क्वेश्चन देखना आप आराम से अटेम्प्ट कर लेना भाई साहब आराम से चलो थोड़ा बड़ा बना देता हूं क्योंकि फिर प्रेशर है इधर प्रेशर दिया है इधर प्रेशर दिया है इधर वॉल्यूम दिया है, है। प्रेशर एटीएम में है जल्दी जल्दी निकालना प्रेशर एटीएम में है वॉल्यूम अपने पास वॉल्यूम जो है लीटर में है इसका वर्कडन निकाल दो वॉल्यूम लीटर्स में है ये ए से बी का वर्कडन निकालना है निकालिए चलो इन दोनों का वर्कडन निकाल के दिखाओ कैसे निकालोगे प्लस माइनस आप पहले खुद करके देख लो आप आराम से निकालने की कोशिश करना इसका वर्क डन ए से बी बी से सी यहां से यहां तक का वर्क डन निकालना है कैसे निकालोगे कैसे निकालोगे इसका वर्कडन कितना होगा ये पूरा एरिया अंडर द कर्व होगा ना इसका पूरा एरिया अंडर द जाएगा यहां से लेकर यहां तक क्या होगा एरिया अंडर द कर्व? कितना होगा एरिया अंडर द कर्व? सर वर्कडन निकालने जाएंगे बी से ए का वर्कडन बी से ए का निकालने जाएंगे तो अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो बी मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा आपके पास मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा आपको प्रेशर दिया हुआ है आपको एरिया अंडर द कव या तो ऐसे निकाल दो एरिया अंडर द कव क्या हो जाएगा देखना एक बार सर ये कितना हो गया थ्री हो गया और ये कितना हो गया फाइव हो गया तो थ्री इंटू फाइव इसको कितना लिख दूंगा पंद्रह लीटर एटीएम लिख दूंगा ये तो मैग्नीट्यूड आ गया लेकिन ये क्या हो रहा है कंप्रेशन हो रहा है क्या

वी वी फाइनल माइनस इनिशियल कोई बच्चा बोले सर इसका तो मैं ऐसे भी निकाल सकता हूं कितना है पी एक्सटर्नल सर वी फाइनल फाइनल वॉल्यूम कितना है टू माइनस ये कितना हो गया सर टू माइनस फाइव हो गया देख लो कोई चाहे तो ऐसे भी निकाल सकता है माइनस और प्लस फिफ्टीन हो गया फिफ्टीन लीटर एटीएम आ गया कोई चाहे तो इसका वर्क डन एरिया अंडर द कर्व ना करके ऐसे भी कर सकता है क्यों क्योंकि इसका पी एक्सटर्नल क्या है इसका पी एक्सटर्नल फिक्स्ड है इसमें प्रेशर इसी के अगेंस्ट वर्क हो रहा है पांच के अगेंस्ट ही वर्क हो रहा है तो एरिया अंडर द ग्राफ निकाल दो एरिया अंडर द ग्राफ निकाल दो या फिर ऐसे निकाल दो अरे वैल्यू छोड़ना यार मल्टीप्लाई करके निकाल लियो भाई वैल्यू के पीछे मत पड़ एक बात बताओ इसमें वर्कडन निकालने जाओगे इसमें डन निकालने जाओगे तो एक बात बताओ सर वर्कडन आपको निकालना है ए से बी से बी से सी पे तो इसको कैसे निकालोगे वर्कडन ए से बी का निकालोगे और प्लस वर्कडन बी टू सी का निकालोगे यही करोगे ना सर आपको ही पता है वर्क डन ए से बी का वर्क डन ए से बी का वर्क डन क्या हो जाएगा जीरो क्यों क्योंकि सर अगर आप मान लो ऐसा लिखते भी हो सर वॉल्यूम क्या है इसका टर्म वॉल्यूम में चेंज आ रहा है क्या नहीं तो वर्क डन ए से बी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा वर्क डन ए से बी क्या हो जाएगा जीरो और जो बचा हुआ वर्क डन है वो किसके कारण है बी टू सी के कारण है जो भी वर्क डन हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है बी टू सी के कारण तो वर्क डन बी टू सी कितना हो जाएगा ए क्या हो जाएगा सर इसका एरिया एरिया

ठीक है भाई दूसरा वर्क डन क्या आ जाएगा निगेटिव इसका वर्क डन क्या आएगा बेटा एरिया कितना आएगा इसका जीरो आ जाएगा एरिया कब निकालते हो आप किसी के अंडर एरिया निकालते हो ना इसके अंडर क्या एरिया आएगा बेटा इस लाइन के अंदर क्या एरिया आएगा कुछ भी नहीं या फिर ऐसे भी सोच लो ना सर इसमें वॉल्यूम का चेंज हुआ क्या इसमें कभी भी वॉल्यूम का चेंज हुआ ही नहीं जब वॉल्यूम का चेंज नहीं हुआ जब वॉल्यूम का चेंज नहीं हुआ तो क्या होगा क्या होगा अपने पास कितना हो जाएगा देख लो कितना हो जाएगा इसका डन जीरो इसका डन निकाल दो और ये एरो इधर की तरफ है ये एरो इधर की तरफ है तो एक्सपेंशन होगा एक्सपेंशन होगा तो कितना आ जाएगा नेगेटिव आ जाएगा हमें क्या आ जाएगा नेगेटिव आ जाएगा हो जाएगा

ध्यान से देख लेना इन दोनों का डायमेंशन याद रखना अपने पास ये देख लो अगर मैं ऐसा क्लोज ग्राफ बना के देने लगूं अगर मैं ऐसा क्लोज ग्राफ बना के देने लगूं ये ए है ये बी है ये सी है ये डी है अगर अगर मैं ये क्लोज ग्राफ बना के देता हूं अगर इसकी वैल्यू अपने पास 10 लीटर है इसकी वैल्यू 20 लीटर है और यहाँ पे जो वॉल्यूम है प्रेशर है वो 2 है और यहाँ पे अपने पास जो प्रेशर है वो कितना हो गया 4 मान लो ऐसे दिया हुआ है अब किसी ने बोल दिया कि सर इस ग्राफ का इसका वर्क डन निकाल दीजिए वर्क डन क्या है पाथ फंक्शन ध्यान सुनना भाई ध्यान से सुनना इसका वर्क डन क्या होगा इसका वर्क डन जीरो नहीं होगा वर्क डन क्या होता है पाथ फंक्शन इसका वर्क डन कैसे निकालोगे अगर तुमसे कोई पूछ दे ए बी सी डी का वर्क डन निकालो तो वर्क डन ए बी सी डी का क्या निकलेगा अब ध्यान से सुनना वर्क डन ए से बी का प्लस डन क्योंकि पांच फंक्शन है बी से सी का डन सी से डी का और डन डी टू ए का यही होगा ना शायद इसमें से कौन सा डन जीरो होगा कौन -कौन इस ग्राफ में कौन कौन सा डन जीरो हो जाएगा इस ग्राफ में कौन कौन सा डन जीरो हो जाएगा ध्यान से देख लो कौन कौन सा डन जीरो हो जाएगा सर बी टू सी वाला डन जीरो और डी टू ए वाला डन क्या हो जाएगा जीरो क्यों भाई क्योंकि सर देख लो सर जब आप ऐसे मूव करोगे वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं इधर मूव करोगे वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं अब ध्यान से देखना, ध्यान से से देखना देख लो अपने पास इसका वर्क डन डन इस वाले एरिया का वर्क निकालना है इसका वर्क डन इस दूरी का वर्क डन निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा देखना अपने पास सर ये एक्सपेंशन हो रहा है एक्सपेंशन हो रहा है तो ये वर्क डन निगेटिव आएगा इसका इसका एरिया अंडर द कर्व निकाल के देख लो एरिया अंडर एडर बी एरिया अंडर वर्डन एरिया अंडर ए बी एरिया अंडर ए बी और इसका एरिया अंडर डी बस ध्यान रखना कि एक बंदा एक्सपेंशन कर रहा है और एक बंदा कॉन्ट्रेक्शन कर रहा है आज पहली बार कर रहा है आज पहली बार कर रहे हैं तो इसलिए हो सकता है कि थोड़ा सा लगे। लेकिन देखो, तो निगेटिव में एरिया आएगा कितना होगा इसका एरिया सर ऊपर से चार फोर इन टू कितना मल्टीप्लाई कर दू सर फोर इन टू कितने से मल्टीप्लाई कर दू टेन से और ये निगेटिव एरिया लेंगे क्यों क्योंकि सर एक्सपेंशन हो रहा है एरिया अंडर सीडी सर एरिया अंडर सीडी ये क्या हो रहा है कंप्रेशन डन ऑन द सिस्टम तो ये क्या हो जाएगा इसका एरिया कितना आएगा सर इसका इसका हाइट कितना है टू और लेंथ कितना है अपने पास सर इसका टू इन टू कितना आ जाएगा टेन आ जाएगा देख लो सर माइनस फोर्टी प्लस ट्वेंटी माइनस फोर्टी प्लस ट्वेंटी कितना आ गया माइनस ट्वेंटी लीटर एटीएम आ गया सर आपने ये माइनस और प्लस क्यों लिया बिकॉज बेटा जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको एक साइड अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो दूसरे साइड क्या होता है कंप्रेशन होता है एक साइड एक्सपेंशन हो रहा है तो दूसरे साइड क्या होगा कंप्रेशन होगा किसी को लगता हो सर मैं इतना क्यों करूं इसका दूसरा तरीका भी है या तो आप ऐसे कर लो या तो आप ऐसे कर लो या फिर सेकेंड मेथड क्या कहता है देख लो अपने पास सेकेंड मेथड क्या कहता है कि सर

क्लॉकवाइज है आप इसी को फिजिक्स में जाकर रट लेंगे कि जब क्लॉकवाइज होगा तो निगेटिव वर्क डन और एंटी क्लॉकवाइज होगा अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो पॉजिटिव वर्क डन दूसरा तरीका यह भी है ठीक है दूसरा तरीका यह भी है ठीक है तो यह देख लो किसी भी साइड को कंप्रेशन एक्सपेंशन ले सकते हैं क्या नहीं बेटा उसके लिए अकल होनी चाहिए तब पता चलेगा कि जब वॉल्यूम बढ़ता है ना बेटा जब वॉल्यूम बढ़ता है तो उसको एक्सपेंशन बोलते बेटा किसी भी साइड को कंप्रेशन एक्सप्रेशन नहीं ले लेते हैं इसके लिए देख लो एरो कुछ बता रहा है कि इधर इधर जा रहे हैं इधर इधर जा रहे हैं। कहां से आते हैं यार ये लोग वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस जीरो होता है बेटा हाँ बेटा तुम्हारा ही तो इंतजार था हमें हाँ इसीलिए बोलते हैं ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए कभी कभी कम पढ़ना चाहिए वर्क वर्क डन डन इन साइक्लिक प्रोसेस कल से पढ़ रहे हैं कि क्या होता है पाथ फंक्शन होता है वर्क डन क्या होता है? होता है है पाथ फंक्शन भाई साहब सही में बहुत ज्यादा हिम्मत चाहिए देख लो वर्क डन पाथ फंक्शन है इसीलिए हर एक रास्ते का वर्क डन निकाला है अगर इंटरनल एनर्जी होता है स्टेट फंक्शन होता तो जीरो निकालते निगेटिव कैसे डिसाइड किया क्योंकि भाई इसका देख लो ना ऊपर वाला देख लो अपने पास ऊपर वाला वर्कडन ज्यादा है एज कंपेयर टू एक्सपेंशन का वर्कडन ज्यादा है एज कंपेयर टू कंप्रेशन एक्सपेंशन हो रहा है तो देख लो ना निगेटिव आया कंप्रेशन क्या हो रहा है कम अगर इसी ग्राफ को उल्टा बना देता ना एग्जैक्ट सेम आंसर आता लेकिन पॉजिटिव में आ जाता ठीक है हाँ स्टेट फंक्शन के लिए जीरो होगा ऑब्वियस इसके अंदर आपसे कोई बोलता है इंटरनल एनर्जी का चेंज बताओ तो जीरो निकाल के देखते कंप्रेशन बड़ा है हाँ बेटा कंप्रेशन का एनर्जी कंप्रेशन का एरिया जो है ना वो बड़ा दिख रहा है देखो कितना बड़ा एरिया है ना ये बड़ा ये छोटा एरिया है यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एरिया होता है वो छोटा एरिया है ये वाला बेटा बड़ा एरिया होता है ध्यान से पढ़िएगा बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं आप ठीक है आपको प्लस फोर अटेम्प्ट नहीं करना है माइनस वन करना है आपके लिए एग्जाम हॉल में गलत सोचना है ठीक है चलो यार हाँ यार सही में थोड़ा कभी कभी जानते हो एक एक ऑनलाइन में यही दिक्कत होती है जब अच्छा कुछ कॉन्सेप्ट फिर क्या होता है ऑनलाइन में पढ़ाने का वो लगता है कि भाई छोड़ यार क्यों इतनी मेहनत करनी बता दिया हो गया एक दो क्वेश्चन कराओ इतना क्वेश्चन कराने की जरूरत नहीं मैं तो सीधा वर्क डन एरिया अंडर द कर्व करा लेता हो जाता चलो कोई नहीं भाई कभी कभी होता है यार जब पढ़ने वाले लोग हैं भाई थोड़ा सीरियसली पढ़ना ठीक है ना अगर तुम्हें भी ऐसा लगता है इनकी जगह कि हाँ भाई साहब थोड़ा बेसिक से पढ़ाइए तो बेटा इससे बेसिक तो अब ना हो पाएगा इससे बेसिक तो बेटा अब यही है कि एरिया निकालिए एरिया ए होता है इसका एरिया बेटा देखो एक बार मैं लाल कलर से समझाऊं कि देख बेटा इसका एरिया यहाँ से लेकर यहाँ तक तो इसको मैं ऐसे बना देता हूँ वाइट से ये देख इसका एरिया यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका एरिया वाइट से और इसका सी से डी का एरिया कैसा होगा तो सी से डी का एरिया रेड से बना देता हो ये देख तो बेटा ये देखो ये क्या हो गया इतना दूर कैंसिल हो गया ये जितना एक्सपेंशन कर रहा है कॉन्ट्रेक्शन क्या हो गया कम हो गया अब इतना समझाना पड़ेगा तो यार थोड़ा बेटा एक चीज होती है जिसको बोलते हैं विजुअलाइजेशन आप खुद से थोड़ा सा सोच पाए ग्राफ देख के कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा नहीं तो कोई बात नहीं भाईबू कभी कभी हो जाता है कभी कभी गलतियां हो जाती हैं हम लोगों से भी हो जाती हैं चलो तो भाई बेसिक वाले लोग ठीक है ना बेसिक वाले लोगों के पास एक ऑप्शन है एक काम करो यहाँ पे ना जस्ट देखोगे स्क्रीन पे ऐसे करके एरो होगा एरो दबा के देखो जादू आएगा कुछ उस पर उसके बाद बेसिक शुरू हो जाता है वहां से चलो तो मैं यहाँ पे था एक्सपेंशन अब अगला क्वेश्चन देता हूँ भाई ठीक है ना जिनको बेसिक्स आता है जिनको लगता है बहुत हाई फाई चीज पढ़ा रहा हूं अगर इतनी हाई फाई चीज पढ़नी है तो बेटा बहुत मुश्किल है तो आप एक और अगला क्वेश्चन देता हूं ट्राई कीजिएगा आपको कुछ नहीं करना आप बस ये देख लो कि हाँ भाई एरिया अंडर द कर्व या तो आप ऐसे कर लो कि इसके बीच का एरिया निकाल लो और देख लो ऊपर का एक्सपेंशन है ये ऊपर वाला ज्यादा है एक्सपेंशन है तो ऊपर वाले का एरिया ज्यादा होगा इसीलिए निगेटिव वर्क ले लिया अगर इसी क्वेश्चन को अपोजिट डायरेक्शन में दे दिया जाए बस बेटा कर ले क्वेश्चन और देता हूँ उसके बाद एरिया अंडर द कर्व छोड़ चलते हैं ये देखना अपने पास कैलकुलेट वर्क डन आप ग्राफ बना के देख लो ए से बी बी से सी यहां पे पाई प्रेशर एटीएम में है और वॉल्यूम की बात करें तो यहां पे दस लीटर और पंद्रह लीटर वर्गडन ए बी सी का निकालना है वैल्यू वर्गडन ए बी सी का वैल्यू निकाल दीजिए वर्गडन ए बी सी की वैल्यू निकाल दीजिए वर्गडन ए बी सी की वैल्यू निकाल दीजिए क्या होगा क्या होगा आराम से कैलकुलेट करके देख लो पहले ही सोच लो इसका ओवरऑल वर्क डन क्या आएगा ओवरऑल वर्क डन क्या आएगा क्या बड़ा है एक्सपेंशन बड़ा है एक्सपेंशन का एरिया सबसे ऊपर है एक्सपेंशन सबसे ऊपर है तो ऑब्वियस है नेगेटिव ही वर्क डन आएगा इतना तो पता है कि इसका इसका क्या आ जाएगा नेगेटिव वर्क डन आ जाएगा इसका क्या होगा हमेशा नेगेटिव वर्क डन आ जाएगा निगेटिव ही वर्क डन आएगा क्यों क्योंकि सर एक्सपेंशन का एरिया बड़ा होगा सबसे बड़ा एरिया अगर वर्क डन ए बी सी की बात की जाएगी तो अगर मैग्नीट्यूड निकालने चले वर्गन निकालने चलते एक काम करते हैं मैग्नीट्यूड क्या निकाले वर्गडन निकालते वर्गडन की बात करें तो वर्गन क्या होगा वर्गडन ए से बी होगा वर्गडन बी से सी होगा और वर्गडन सी से ए होगा सी से ए होगा तो ये क्या हो गया ये क्या हो गया जीरो हो गया वर्गन ए से बी क्या हो गया जीरो हो गया वर्गन ए से बी क्या हो गया जीरो हो गया एक बोल रहा है सर जी सी का कोऑर्डिनेट आपने नहीं दिया है सी का कोऑर्डिनेट आपने नहीं दिया हुआ है सी का कोऑर्डिनेट अगर नहीं दिया है ना तब भी आंसर आ जाता है लेकिन चलो मैं दे देता हूं एक काम कर देता हूँ डन सी से डी uh, चाहिए ना तो इसको एक काम करो टू ले लो हटाओ ए से बी का डन देख लो ए से बी का डन क्या होगा ए से बी का डन क्या हो रहा होगा तो ए से बी का डन इसके एरिया यहां से लेकर यहां तक का एरिया लोगे यहां से लेकर यहां तक का एरिया लोगे तो यहां से लेकर यहां तक का एरिया कितना आ जाएगा ए से बी का एरिया सर फाइव इन 5 ऊपर हाइट 5 है और नीचे कितना है इसको भी 5 पुट कर दें और ये एरिया एक्सपेंशन का है तो नेगेटिव आ जाएगा ये एरिया एक्सपेंशन का है तो नेगेटिव आ जाएगा वर्क डन C टू A C टू A इसका एरिया निकालना है तो इसका एरिया दो टाइप दो टाइप से निकाल सकते हो या तो ऐसे या फिर अपने पास ट्रैपिजियम की तरह तो मेरे पास C टू A को निकालने के लिए मैं इसको रेक्टेंगल और उसकी तरह ले लेता हूँ इसकी हाइट कितनी है 3 बेस कितना है 5 प्लस इसका इसका एरिया कितना आ गया? 2 5. इसका कितना आ गया? 2 5. ये देख लो अपने पास माइनस ट्वेंटी हो गया सेवन पॉइंट फाइव आ गया ना टू इंटू फाइव एरिया अंडर दिस एरिया अंडर दिस कितना आ गया वन बाई टू थ्री इंटू वन बाई थ्री इंटू फाइव हाइट इंटू बेस बेस इंटू हाइट कितना आ गया टेन आ गया टू इंटू फाइव तो सेवन फिफ्टीन बाई सेवन पॉइंट फाइव प्लस हाँ तो कितना आ जाएगा माइनस uh, कितना सेवन uh, पॉइंट

कितना हो जाएगा 5 और हाइट कितनी है 3 तो ये कितना हो गया 7.5 लीटर एटीएम आप एरिया निकाल दो इसका एरिया इसी के अंदर का एरिया होगा ना और इसके अंदर का एरिया आप देख लो कौन सा वर्क डन बड़ा है इसका वर्क डन जीरो ये एक्सपेंशन है ये सबसे बड़ा है तो वर्क डन जो होगा वो नेगेटिव ही होगा वर्क डन जो होगा वो क्या होगा नेगेटिव होगा ये अपना आंसर आना शुरू हो जाएगा ये अपना आंसर आना शुरू हो जाएगा ठीक है ये अपना आंसर निकालना शुरू कर देंगे हो जाएगा तो निकाल लो भाई डायरेक्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल से एरिया मैं मैं तो ऑब्वियस इसको ही बोलूंगा ना लेकिन भाई यहाँ पे अपनी क्लास में बेसिक वाले लोग भी तो हैं ठीक है थीके, अब वो बोलते हैं कि नहीं सर सी के बिना कैसे विदाउट सी कॉर्डिनेट अबे सी निकाल तो दिया सी तो बता तो दिया बता तो दिया सी निकाल लो अपने पास सी बता दिया है सी बता दिया है निकाल लो विदाउट सी करने जाते हैं हाँ नहीं विदाउट सी करने जाते तो फिर अपने पास मुझे लगा कि इधर एक बात बताओ ट्रेपीजियम का एरिया विदाउट सी करने जाते तो शायद हाँ दिक्कत आती है एरिया हाइट दोनों पैरल साइड की नहीं पता होती विदाउट सी नहीं निकाल पाते ठीक है ना विदाउट सी जिन लोगों ने पहले शुरुआत में निकाल दिया उन्होंने गलत निकाला था ठीक है जैसे निकालना है आपकी मर्जी आप सेकंड मेथड से करो फर्स्ट मेथड से करो जैसे करना चाहते हो भाई कर सकते हो बाकी भैया चलो आगे चलते फिजिक्स में आपको फिर से दोबारा ये सब चीजें मिल जाएंगे ठीक है फिर से दोबारा ये सब चीजें मिल जाएंगे ट्रेपीजियम का भाई होता है सम ऑफ पैरल साइड्स बिंटू बीच में जो हाइट्स होती हैं ये जो पैरल साइड्स हैं इनका सम ले लीजिए कि सर ये कितना हो गया पांच और ये कितना हो गया दो सात और फिर इसको क्या करो मल्टीप्लाई कर दो बीच में ऐसे करके ठीक है चलो अब देख लो अपने पास तो मुझे डन का ये पता चल गया डन एरिया अंडर इनटू वॉल्यूम करते रहिए तरीका पता चल गया लीटर एटीएम दिया है तो इसको जूल्स में कन्वर्ट करने, तो करने का तरीका पता चल गया है ठीक है तो अब अपने पास हार्ड चीजें चल रही है अब देखो डन की बात करते हैं तो डन मेरे पास ये आ गया अब एक बात बताओ एक चीज बताओ वर्क डन का फॉर्मूला मैंने क्या निकाला माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी या फिर माइनस पी एक्सटर्नल वी फाइनल माइनस वी इनिशियल माइनस वी फाइनल अब एक दो केसेस देख लेते हैं वर्क डन कहां कहां जीरो हो सकता है चलो वर्क डन कहां कहां जीरो हो सकता है अगर मैं बोल दू सर पी एक्सटर्नल जीरो हो जाए पी एक्सटर्नल जीरो हो जाए या मैं बोल दूं कि हम वैक्यूम के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं अगर मैं बोलता हूं वैक्यूम के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं या फिर इसको हम बोल देते हैं फ्री एक्सपेंशन अगर हम बोल दे कि यार हम फ्री एक्सपेंशन कर रहे हैं मतलब पी एक्सटर्नल क्या हो जाएगा जीरो और पी एक्सटर्नल जैसे ही जीरो हुआ वर्गन क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा वर्गन क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा वर्गन क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा एक्सटर्नल अगर जीरो कर दिया तो वर्क डन क्या हो जाएगा जीरो या फिर या फिर अगर डेल्टा वी की वैल्यू जीरो कर दूं मतलब डेल्टा वी जीरो वॉल्यूम क्या हो जाए? Constant हो जाए जाए कांस्टेंट और जहां वॉल्यूम कांस्टेंट हुआ जहां वॉल्यूम कांस्टेंट हुआ वॉल्यूम कांस्टेंट को ही हम लोग क्या बोल देते हैं आईसो कोर्स बोलते थे आइसो कोरिक प्रोसेस बोल देते जहां वॉल्यूम कॉन्स्टेंट हुआ उस केस में भी हम लोग क्या बोल सकते हैं वर्गडन क्या हो जाएगा जीरो हो जाए? वर्क दो ही जगह जीरो होगा या तो एक्सटर्नल प्रेशर जीरो हो जाए या फिर वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाए चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाए जीरो तो क्या हो जाएगा जीरो साइक्लिक प्रोसेस वर्गडन जीरो नहीं होता है बिकॉज वर्गन इज अत फंक्शन ऐसा कुछ नहीं है याद रखना इनकलिक प्रोसेस साइक्लिक प्रोसेस जो अगर शुरू से लेके लास्ट तक चले सेम जगह पहुंच गए तो याद रखिएगा सर डेल्टा ऑफ पाथ फंक्शन पाथ फंक्शन का, का चेंज होता है वो जरूरी नहीं कि जीरू हो, हाँ, स्टेट का चेंज जीरू हो जाएगा, ऐसा नहीं कि साइक्लिक प्रोसेस का मतलब होता है कि भैया इसका स्टेट फंक्शन जीरो कर दो पाथ फंक्शन जीरो नहीं करना स्टेट फंक्शन का चेंज क्या होगा जीरो होगा ठीक है स्टेट फंक्शन का जीरो क्या हो जाएगा हाँ स्टेट फंक्शन का जीरो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा ठीक है ये हो जाएगा अब मुझे कोई बताए कि हाँ भाई यहाँ पे अपने पास यहाँ पे छोटी छोटी चीजें चल रही है कि सर वर्क डन आ गया वर्क डन के ऊपर ये चीजें आ गया अब जैसे मान लो वर्क डन का यूनिट अगर ऐसा ही यूनिट क्या पूछा जाए अगर ऐसा SI ही यूनिट कोई पूछे तो क्या होगा वर्क डन का वर्क डन का ऐसा SI यूनिट क्या होगा वर्क डन का ऐसा SI यूनिट क्या होगा जल्दी बताओ जल्दी बताओ वर्क डन का ऐसा SI यूनिट क्या होगा क्या बोला जाए यार चलो कोई बात नहीं क्या होगा जूल्स होगा जैसे हीट का जूल था वैसे ही वर्गडन का भी क्या होगा जूल होगा मतलब वर्गडन और हीट दोनों का ऐसा यूनिट क्या है सेम है अब जैसे एग्जाम में कोई बोला सर इसके ऊपर निमेरिकल बता दो चल ठीक है भाई जल्द ये भी चेक कर लेते हैं चलो किसने बोला कि सर इसके ऊपर निमेरिकल करके दिखाओ तो चलो भाई ये क्वेश्चन इसके ऊपर कर लो बताओ इसका आंसर क्या आएगा चलो इसका पोज भी दे देता हूँ इसका आंसर क्या आएगा चलो ये क्वेश्चन करके दिखाओ एक गैस है एक्सपेंड कर रहा है वॉल्यूम यहां से लेकर यहां तक कांस्टेंट प्रेशर दिया है वर्क डन निकालना है कैसे निकालोगे एक गैस है जिसका कांस्टेंट प्रेशर है एक गैस है जिसका कांस्टेंट प्रेशर है वर्क डन दिया है वॉल्यूम निकालना है सॉरी तो वर्क डन निकालना है वॉल्यूम दिया हुआ है वॉल्यूम का चेंज दिया हुआ है जल्दी करो जल्दी करो क्या आएगा सब कुछ ऐसा SI यूनिट में दिया है तो आंसर भी किस में आएगा ऐसा यूनिट में आ जाएगा सब कुछ ऐसा SI यूनिट में दिया है तो पी एक्सटर्नल दिया हुआ है कितना टेन की पावर फाइव न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ठीक है सर अपने पास चेंज इन वॉल्यूम कितना आएगा वी फाइनल माइनस वी इनिशियल वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अब यहाँ पे टेन की पावर माइनस टू माइनस टेन की पावर माइनस थ्री ऐसे तो एक्सपेंशन हो रहा है देख लोगे तो पता चल जाएगा वॉल्यूम क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है टेन की पावर अगर आपको लगता है करके देख लो माइनस थ्री कॉमन ले लोग तो टेन माइनस वन ये कितना आ जाएगा नाइन इंटू टेन की पावर माइनस थ्री मीटर क्यूब सर ये एक्सपेंशन हो रहा है वर्क डन क्या आएगा नेगेटिव ही आएगा क्योंकि वॉल्यूम आपका क्या हो रहा है बढ़ रहा है तो वर्क डन क्या आएगा नेगेटिव आएगा तो सर ये दोनों ऑप्शन तो हटा ही दीजिए क्या हो जाएगा वर्क डन एक्सटर्नल कितना है 10 की पावर 5 और ये कितना हो जाएगा माइनस थ्री ये कितना हो गया माइनस नाइन इंटू टेन की पावर टू जूल्स या फिर हम लिख सकते हैं माइनस नाइन हंड्रेड जूल्स क्या आंसर आ जाएगा मेरे लिए निगेटिव ही आंसर आएगा और वो कितना आएगा माइनस नाइन हंड्रेड जूल्स आएगा एसआई SI यूनिट है तो इसीलिए एसआई SI यूनिट में हमें पता होता है कि यार एस आई यूनिट में क्या करेंगे ऐसे यूज करेंगे एस आई यूनिट में ऐसे यूज करेंगे कितना आंसर आ जाएगा ए इज द करेक्ट आंसर ए इज द करेक्ट आंसर ए इज द करेक्ट आंसर देख लो चलो भाई बी कौन सा आ गया यार किसी ने जल्दी जल्दी में बी वाले भाई प्लीज इधर आना है अपने को सिलेक्शन वाले साइड आना है ठीक है सिलेक्शन साइड आना है भाई इधर मत जाओ ठीक है बी कैसे आ गया किलो जूल्स कैसे निकाल दिया ठीक है किलो जूल्स कैसे निकाल दिया तो डेल्टा वी निकाल दो माइनस पी एक्सटर्नल टू डेल्टा वी करके निकाल दो अपने पास हो जाएगा वर्क डन निकाल सकते हैं वर्क डन निकाल सकते हैं हो जाएगा अब किसने बोला कि सर वर्क डन हो गया दो पांच फंक्शंस कर लिए हमने दो पांच फंक्शन कर लिए अब दो बहुत बेसिक बेसिक सा हो गया तो अब एक काम करते हैं

भाई अब यार क्वेश्चन थोड़ा सा प्रैक्टिस करो ये सब चीजें मैंने बड़े वाले कॉमन ले लिया तेरी मर्जी तो टेन की पावर माइनस टू कॉमन ले ले जीरो पॉइंट नाइन आ जाएगा ठीक है टेन की पावर माइनस टू कॉमन ले ले जीरो पॉइंट नाइन आ जाएगा मेरे पास लॉज ऑफ थर्मोनाइस शुरू करते हैं तो लॉज ऑफ थर्मोनाइस में क्या आता है हम लोग के लाइफ में लॉज ऑफ थर्मोडानेमिक्स लॉज ऑफ थर्मोडायनमिक्स हम शुरू करें तो हमारा अब सेकेंड टॉपिक शुरू हो रहा है आज पहले हमने बेसिक टर्म्स अभी फिनिश किया है हमने दो पांच फंक्शंस देखे अब हमारा लॉज शुरू हो रहा है और सबसे पहला लॉ जो आता है सर ये जीरोथ लॉ आता है एक्चुअली ये पहला लॉ हम पढ़ते तो हैं लेकिन ये भाई बाद में डिस्कवर हुआ और इतना डिफिकल्ट लॉ है ना सोच भी नहीं सकते मतलब होगा कि नहीं होगा ये सोचना पड़ सकता है उसके बाद हम लोग आते हैं फर्स्ट लॉ के बारे में बात करना शुरू करते उसके बाद आज ही हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनमिक्स की तरफ भी जाएंगे और देखेंगे यही सबसे बड़ा होगा सबसे ज्यादा क्वेश्चंस से, से रिलेटेड रहते तो जीरो तो लो और फिर हम लोग बात करेंगे आज मतलब फ्राइडे तक अपना सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन फिनिश हो जाएगा ये देख लो सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा तो आप उसकी टेंशन मत लेना कि अरे सर सेकेंड लॉ थर्ड लॉ में क्या होगा ये अपने पास ज्यादा दिक्कत नहीं

सर हार्मोडाइनोमिक्स ये किस पे बेस्ड होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर और इन दोनों का रिलेशन स्पॉन्टिनिटी के साथ या बोल सकते हैं कि सर स्पॉन्टिनिटी के साथ होता है स्पॉन्टिनिटी के साथ रिलेशन हो जाता है

इक्लिबरियम का मतलब कि सर दोनों का टेम्परेचर बराबर हो जाए हीट ट्रांसफर क्या हो जाए हीट ट्रांसफर क्या हो जाए दो लोगों का आपस में इक्वल हो जाए T1 वन इज इक्वल टू जब दोनों का बोथ टेम्परेचर टेम्परेचर क्या हो जाए सेम हो जाए जब टेम्परेचर सेम हो जाएगा तो उस केस में हीट ट्रांसफर क्या हो जाएगा जीरो जीरो किस पे बेस्ड है तो ध्यान सुनना जीरो लॉ पे जीरो बहुत ही हार्ड क्या बोल किस पे बेस्ड है लॉ ऑफ थर्मल इक्लेवरियम पे ये क्या है टेम्परेचर सेम हो जाए और देखो इसकी स्टोरी देखना क्या बोलता है भाई सब छोटी मोटी बात नहीं बोलेगा ये बोलेगा टू ऑब्जेक्ट्स एट डिफरेंट टेम्परेचर अगर थर्मल

सी ए सी बी और सी ये दोनों अगर आपस में थर्मल इक्विबेरियम में हैं, अगर तुमसे कोई बोल रहा है कि ए थर्मल इक्विबरियम में सी के बी थर्मल इक्विबेम में सी के तो इसका मतलब ये होता है कि ए और बी भी आपस में थर्मल इक्विबेरियम में होंगे इसका मतलब ये भी होता है कि इसका मतलब देखना अगर तुमसे कोई क्वेश्चन स्टेटमेंट देखना इफ ए एंड बी आर इन आर इन थर्मल इक्विबेरियम विथ थर्मल इक्विबेरियम विथ सी इसका मतलब क्या होगा कि सर टेम्परेचर ऑफ ए किसके इक्वल हो जाएगा टेम्परेचर ऑफ सी के टेम्परेचर ऑफ बी किसके इक्वल हो जाएगा सी के तो देन हम कह सकते हैं देन हम कह सकते हैं कि ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम भाई साहब इतना बड़ा ज्ञान ये भाई साहब अगर इतना बड़ा ज्ञान आपको आज प्राप्त हो रहा है तो इसके लिए थैंक यू बोलिए कि भाई साहब इतनी बड़ी चीज बता दी कि अगर टेम्परेचर ए का सी के बराबर है टेम्परेचर बी का सी के बराबर है इसका मतलब टेम्परेचर ऑफ ए मस्ट बी

ठीक है। बोल रहा है सर बेसिक भाई इससे अच्छा इसको बेसिक देखो एक टेम्परेचर होता है बेटा टेम्परेचर बेसिक से पढ़ाते हैं वो, है, है। है वो एक चीज होती है अब यार टेम्परेचर को कैसे कौन हॉट है कौन कोल्ड है देखो बेसिक से पढ़ाते हैं ठीक है यार, और एक चैप्टर है ऑफ का मतलब होता है का लॉ मतलब नियम और जीरो मतलब जीरो वाला नियम

दो ऑब्जेक्ट्स एट डिफरेंट टेम्परेचर्स इन थर्मल कॉन्टेक्ट अच्छा थर्मल कांटेक्ट का मतलब होता है बेटा एक दूसरे को हाथ से ऐसे पकड़ लेना या अपने पास कांटेक्ट में आए कांटेक्ट में आए थर्मल कांटेक्ट तो टेम्परेचर के कांटेक्ट में आएंगे विथ ईच अदर मतलब दो लोग आपस में एक दूसरे को अगर गले लगा ले जैसे तुम एक स्पैमर दूसरे स्पैमर को अगर गले लगा लेगा तो एक दूसरे को क्या करेंगे एक दूसरे को टेंड्स टू मूव टू टेंड मतलब होता है उधर की टेंडेंसी रखना टेंडेंसी मतलब होता है इच्छा प्रवृत्ति जैसे आपकी इच्छा है ठीक है तो ऐसे ठीक है और टुअर्ड्स टूआर्ड्स मतलब होता है इंग्लिश का एक वर्ड है बेटा टूआर्ड्स मतलब उस तरफ द द एक आ, वो क्या बोलते इसको आ, क्या बोलते थे यार द को एडजेक्टिव नहीं, नहीं यार क्या था अबे यार द सेम टेम्परेचर मतलब टूआर्ड्स द सेम टेम्परेचर उधर की तरफ जाएंगे ठीक है तो ये बेसिक हो गया बेटा आई होप समझ में आया होगा कि दो लोग जब एक दूसरे के थर्मल कॉन्टेक्ट में आते हैं तो वो एक दूसरे की तरफ नहीं नहीं डिफिकल्ट हो जाएगा ये भी गलत हो रहा है मान लो बेसिक पे चले ठीक है वो पता नहीं यार कभी कभी ऐसे ज्यादा असर पड़ता नहीं है अब तो आदत हो गई इम्यूनिटी हो जाती है बट कभी कभी हाँ आर्टिकल हाँ सॉरी सॉरी आर्टिकल होता है दम आर्टिकल होता है ओ मैं भूल गया था भूल गया था ठीक है लेकिन कभी कभी लगता है कि अब एक किसको पढ़ाने आ गए यार ठीक है कोई दिक्कत नहीं बेटा आई होप अभी क्लियर और का मतलब होता है कि ये अगर आपको समझ में आ गया तो आप इसको मत समझिए क्योंकि एग्जाम में बेटा देखो तुम्हें स्पैम और तुम्हारे लिए तो एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है ठीक है तो और कर नीचे का ये तो बेकार होता है ये तो बेकार लोगों के लिए होता है ये आपको समझ में आ गया तो हो गया ठीक है चलो ठीक है चल यार क्वेश्चन करते आते चलो हाँ काफी हार्ड लग रहा है

कभी कभी कुछ कमेंट्स है ना फर्क पड़ता लगता है कि अरे यार कहाँ मतलब सोचो ना आप एक आपका एक मोमेंटम है जैसे आज मैं सोच के क्या कि मैं यहाँ तक पढ़ाऊंगा फिर कोई बोलता है अरे सर बेसिक से पढ़ाओ सर वो कभी जैसे अभी मैं कल बोल तो रहा कल या परसों मैंने देखा था अलग सर का एक वीडियो ना कि कामचोर बोल रहे थे कि बैकलॉग है तो काम चोरी कर रहे हो ठीक है फिर मुझे लगा भाई चलो सर तो बोले तो चलो समझ भी जाए बच्चे उसमें लिख भी रहे नीचे कमेंट में कि सर हम पढ़ाई करेंगे बैकलॉग कंप्लीट करेंगे मैंने कहा यही बात हम लोग क्लास में बोलते हैं तो हमारे यहाँ चलता है कि सर आप बेसिक से नहीं पढ़ाते हो आप ना सर फालतू तो हाई फाई बता रहे हो बताओ इतना हाई फाई बता दिए ये मजाक उड़ा दिए ये इधर से कुछ पागल बच्चे भी हैं सत्तर अस्सी परसेंट वाले ये सर हर एक चीज में हार्ड हार्ड करके मजाक उड़ा देते हैं ये लोग ठीक है इस इग्नोर करते हैं लेकिन हो जाता है कभी कभी लग जाता है कभी, जाता है, कभी जैसा मैं दो चार बार देखा लगातार वही आ रहा था मुझे लगा भाई ऐसा क्या है ठीक है कोई दिक्कत नहीं चलो आगे चलते मैं ये बोला था थर्मल इक्विलिब्रियम जीरो लॉ सबसे हार्ड लॉ था और हार्ड लॉ में से क्या था कि भैया ये किस पे बेस्ड है थर्मल इक्विलिब्रियम पे अगर दो लोग थर्मल इक्विलिब्रियम बेटा इस वर्ड का मीनिंग बस याद रखना कि अगर दो लोग थर्मल इक्विलिब्रियम पे बोला जाए तो इसका मतलब टेम्परेचर ए और बी का बराबर होगा

चाहते हो तो आप एक काम करो जितने भी पॉसिबल टाइप की एनर्जी है जैसे आपका ट्रांसलेशनल मोशन, जाओगे, ट्रांसलेशनल मोशन रोटेशनल एनर्जी निकाल दो आप रोटेशनल एनर्जी निकाल दो आप वाइब्रेशनल एनर्जी की वैल्यू सब बॉडी के अंदर जो जो चीजें हो रही है जितने टाइप की एनर्जी हो रही है आप पोटेंशियल एनर्जी ऐड कर दो आप जितने भी अपने पास इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी ऐड कर दो जितने भी टाइप की एनर्जी है वो सब कुछ ऐड कर दो जितने भी टाइप की एनर्जी है डैश 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 जितने भी टाइप की एनर्जी है उन सबको ऐड कर दो तो क्या निकल के आएगा इंटरनल एनर्जी तो क्या निकल के आएगा इंटरनल एनर्जी क्या निकल के आएगा इंटरनल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी रोटेशनल एनर्जी वाइब्रेशनल इलेक्ट्रॉनिक जितनी भी एनर्जी है सर न्यूक्लियर एनर्जी सब कुछ एड वैड कर दो तो तुम्हें क्या निकल के आएगा इंटरनल एनर्जी

स्टेट फंक्शन है यू क्या है स्टेट फंक्शन है यू क्या होता है स्टेट फंक्शन होता है मतलब लेकिन मैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकाल सकता हूँ कैसे वो देखूंगा अभी बताऊंगा आपको चेंज इन इंटरनल एनर्जी हम लोग निकाल सकते हैं कैसे वो अभी देखेंगे और प्रूफ भी करेंगे प्लीज ध्यान सुनना U क्या है एक स्टेट फंक्शन है U एक स्टेट

ये देखो अगर इंटरनल एनर्जी की कुछ प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है मतलब किस पे डिपेंड करेगी मास पे डिपेंड करेगी सर ये किस पे डिपेंड करेगी मास पे डिपेंड करेगी सर ये स्टेट प्रॉपर्टी है या स्टेट फंक्शन है स्टेट फंक्शन है तो ये अपने पास स्टेट फंक्शन ये स्टेट फंक्शन है तो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगी किसी भी साइक्लिक प्रोसेस में इसका ओवरऑल जो चेंज आएगा ओवरऑल जो चेंज आएगा इन अ साइक्लिक प्रोसेस वो कितना हो जाएगा किसी भी स्टेट फंक्शन का ओवरऑल

ऑन टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन डेल्टा टी किसपे डिपेंड करेगा सिर्फ और सिर्फ डेल्टा यू की जो वैल्यू है डायरेक्टली आइडियल गैस में लेकिन अगर यही चीज रियल गैस की बात करें रियल गैस की तो सर यहां पर जो यू होता है इंटरनल एनर्जी फंक्शन ऑफ फंक्शन मतलब टेम्परेचर का टेम्परेचर एज वेल एज एंड वॉल्यूम दोनों पर डिपेंड करेगा मतलब रियल गैस के लिए डेल्टा यू निकालने जाओगे तो सर ये किस पे डिपेंड करेगा डिपेंड्स ऑन डेल्टा टी एज वेल एज डेल्टा टी एंड एंड डेल्टा वी ये दोनों पे डिपेंड करेगा ये ध्यान रखना क्योंकि में अब आपको दोनों पता है तो सर वहां पर डेल्टा यू सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा डेल्टा यू डेल्टा टी पे डिपेंड करेगा लेकिन अगर रियल गैस का निकालने गए तो डेल्टा टी एंड डेल्टा वी पे भी डिपेंड करेगा कैसे करेगा वो आगे अभी डेरिवेशन करेंगे या चीजें देखेंगे डोंट वरी लेकिन हाँ बेसिक चीज समझो कि इंटरनल एनर्जी क्या होता है सम ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी अंदर जितनी भी एनर्जी के अंदर एड कर दो तो वही अपने पास जोड़ के क्या मिलेगी, मिलेगी. तो प्रोसेस में इसका चेंज क्या होगा जीरो इंटरनल एनर्जी अगर आइडियल गैस के लिए निकालोगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा डेल्टा टी लेकिन अगर यही चीज रियल गैस के लिए जाओगे तो ये किस पे डिपेंड करेगा डेल्टा टी एज एज डेल्टा पे डेल्टा okay, तो ये देख लो, क्या है? अब सर, कर देते हैं सारे टाइप की एनर्जी को सम कर दो इंटरनल एनर्जी आ जाएगी लेकिन सर, चेंज कैसे ये चेंज आता कैसे है ये चेंज कैसे आता है ये चेंज कैसे आएगा? और इसको कैसे निकालेंगे तो इसके लिए ही इसी इंटरनल एनर्जी के चेंज को

स्टेट ए से बी जा रहे हैं ए से बी जा रहे हैं उसके अंदर कितना जा रहे हैं ए से बी में कितने का चेंज हो रहा है चालीस का सर ये रास्ते में जाते टाइम ए से बी में जाते टाइम किसी और रास्ते से जा रहा है आते टाइम किसी और रास्ते से आ रहा है बताएंगे वट वुड बी द नेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी नेट चेंज कितना होगा वाट वुड बी द नेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा देख लो क्या होगा अगर ए से बी जा रहे हैं खो सकता है देखो ए से बी में ऐसे जा रहा हूं जाते टाइम में क्या कर रहा हूं ए से बी में ऐसे जा रहा हूं ऐसे जा रहा हूं आते टाइम में क्या कर रहा हूं मैं ऐसे आ रहा हूं उससे इंटरनल एनर्जी में एग्जैक्टली कितना चेंज आएगा कितना चेंज आ जाएगा एग्जैक्टली कितना चेंज आ जाएगा जा बताओ सर आपका इंटरनल एनर्जी का चेंज ए से बी का कितना दिया हुआ है ए से बी का कितना दिया हुआ है चालीस किलो जूल सर उल्टा कर देंगे तो आपको ही पता है उल्टा करेंगे तो सर आपको कल ही बताया है कि सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज हो जाता है साइन चेंज हो जाता है सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज हो जाता है बाकी ओवरऑल वैल्यू सेम रहेगी सिर्फ और सिर्फ क्या होगा आपको कल ही सर बताया भी है हम लोगों ने कि ए से बी जाएंगे तो अगर चालीस है तो उल्टा आएंगे तो क्या होगा सिर्फ साइन चेंज जाएगा उसके अलावा कुछ भी चेंज नहीं होगा नेट चेंज कितना आया नेट चेंज देखोगे सर, दोनों साइड का सेम ही रहा ना इंटरनल मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम ही रहा चेंज क्या रहा रहा सेम ही तो 40 अपने पास और कितना चेंज हो जाएगा जीरो का चेंज होगा सर मैग्नीट्यूड वाइज तो कोई चेंज नहीं आएगा ना जीरो का ही चेंज आएगा कितना चेंज आएगा जीरो का चेंज आएगा भाई सर कोई चेंज थोड़ी ना होगा नेट चेंज अगर कोई पूछ रहा है सर एक बात बताओ मैग्नीट्यूड ले लो भाई कोई बोल रहा है सर माइनस है भाई मैग्नीट्यूड ले ले यार ओवरऑल इंटरनेट ने तो एक बात बता गया यहां से आया फिर यहीं पे जहां चला वहीं पहुंच गया तेरा चेंज कितना आएगा भाई तेरा चेंज कितना आएगा जीरो आएगा ना एक बार बता तू जहां से गया वहीं पहुंच गया तो स्टेट फंक्शन का चेंज इसी को साइक्लिक प्रोसेस बोलते थे ना तो साइक्लिक प्रोसेस में नेट चेंज कितना आ जाएगा जीरो आ जाएगा साइक्लिक प्रोसेस में नेट चेंज कितना आ जाएगा जीरो आ जाएगा अरे भाई नेट चेंज पूछ रहा है जहां से चले थे वहीं पहुंच गए नेट चेंज कितना आएगा जीरो आएगा ठीक है तो ये देख लो अपने पास कितना आ जाएगा जीरो इज द करेक्ट आंसर जीरो अपने पास आंसर आ जाएगा बहुत बढ़िया ठीक है जीरो इज द करेक्ट आंसर निकाल दो जीरो इज द करेक्ट आंसर चेंज कितना आया वो पूछ रहा है जीरो नेट चेंज बताओ ओवरऑल चेंज कितना आएगा स्टेट फंक्शन का मीनिंग कल से शायद यही समझ रहे परसों से यही समझ रहे कि सर शुरू से चले जहां से चले वही पहुंच गए तो नेट चेंज कितना आएगा जीरो डिस्प्लेसमेंट वाली बात हो गई हो जाएगा अब इंटरनल एनर्जी का चेंज निकालते कैसे इंटरनल एनर्जी के चेंज को निकालने के लिए दो ही तरीके इंटरनल एनर्जी को चेंज कैसे कर सकते हो दो ही तरीके से कर सकते हो और वो दो तरीके कौन से हो? हैं इंटरनल एनर्जी किसी भी किसी का भी चेंज करने के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैन बी डन बाय सर आपके अंदर दो ही लोग चेंजेस ला सकते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैन बी डन बाय सर दो वे कैन बी डन इन बाय टू वेज कौन कौन से दो रास्ते हैं ये लो तुम्हारे अंदर कौन कौन से दो लोग कौन मतलब मोटिवेशन के लिए कौन से दो लोग होते हैं तुम्हारे लिए दो ही लोग मोटिवेट कर सकते हैं कौन कौन से सर आपके अंदर या तो आप खुद से वर्क करके देख लो जैसे कोई बोले कि सर मैं दो महीने पढ़ के देखता हूं दो महीने पढ़ के देख लो अगर कोई बंदा सीरियसली दो महीने पढ़ के देखेगा ना तो उसके अंदर चेंज अपने आप दिख जाएगा एक दिन में तो नहीं बोलूंगा लेकिन दो महीने अगर लगातार आप कंसिस्टेंटली काम कर रहे हो तो आपको खुद ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा खुद ही आपके अंदर वर्क से आपको क्या होना शुरू हो जाएगा कॉन्फिडेंस आएगा और दूसरा क्या हो जाता है दूसरा हीट से कभी कभी घर वालों की मार काम आती है जैसे हमारे यहाँ इंडिया में ये भी खूब चलता है हीट और वर्क दो ही लोग तो होते हैं दो ही लोग तो होते हैं जो काफी सारे मतलब दो ही लोग आगे बढ़ सकते हैं एक होता है कि जब खुद से अंदर से इंटरनली आता है कि नहीं यार मुझे एमबीबीएस करना है मुझे लाइफ में डॉक्टर बनना है मुझे स्टेथोस्कोप लगाना है तो आप उसके लिए वर्क करते हो और कभी कभी घर वालों का प्यारा सा मतलब हीट जो होता है या पड़ोसियों का जो हीट होता है हीट ट्रांसफर जो होता है उससे भी आदमी मोटिवेट हो जाता है आपके अंदर की एनर्जी आ जाती है कभी कभी देखा होगा घर में आदमी घर वाले कभी कुछ बोल देते हैं अच्छा खासा सुनने को मिल जाता है या मैं ही कभी कुछ बोल देता हूँ तो आदमी को या कभी एम आर सर बोल दिया कभी

कन्वेक्शन का मतलब क्या होता है घर पे देखो कंडक्शन मतलब पापा मम्मी का सीधा प्यार आपके दार मतलब गाल पे पड़ रहा हो तो क्या हो जाएगा कंडक्शन हो जाएगा और एक होता है कन्वेक्शन कन्वेक्शन क्या होता है कि बड़ा भाई अगर पिट रहा है या छोटा भाई पिट रहा है उसको देख के आदमी डर जाता है कि पहले ही साइड हो जाता है पता होता है कि भाई अगला नंबर तो अपना ही है ठीक है या तो घर में कोई साइड वाला पिट रहा हो देख लिया कि पापा का फॉर्म सही चल रहा है आज तो पापा के सारे निशाने सही चल रहे हैं मम्मी के सारे बेलन वेलन के निशाने सही चल रहे हैं तो आदमी कन्वेक्शन से आ जाता है कि हाँ भाई नाना चुपचाप काम कर ले और एक होता है रेडिएशन तीन तरह के हीट ट्रांसफर हैं अपने घर में एक होता है कि भाई साहब दूर से ही देख के एक होता है ना घर में मम्मी पापा आए दूर से जैसे ही गेट पे थोड़ी भी आवाज हुई सीधा मेन टीवी का स्क्रीन ऑफ करो सीधा मेन स्विच ऑफ करो भाई छोटी मोटी बात नहीं कर रिमोट से ऑफ कर रहे ये नहीं कर रहे हो सकता है रिमोट दगा दे जाए सीधा स्विच ऑफ सीधा सीधा ये टीवी बंद करना मेन स्विच ऑफ होता है ना कॉपी में लगा के रखते हैं हम लोग हाँ भाई जैसे ही आए एकदम खोल के बैठ गए रेडिएशन इसको बोलते हैं रेडिएशन ठीक है तो इंडिया में तीन तरह के अपने पास हीट ट्रांसफर है घर वाले ऐसे ही हीट ट्रांसफर कर रहे होते हैं कंडक्शन सीधा सीधा ट्रांसफर कन्वेक्शन दूर से ही ट्रांसफर और तीसरा रेडिएशन शानदार होता है ना भाई ठीक है, रेडिएशन सबसे शानदार होता है दूर से ही अपने को पता चल जाता है ठीक है कि हाँ बहुत सारे लोग घर वाले सीधा सीधा भाई दूर से आपके अंदर का जो चेंज आएगा वो यही दो तरीके है वर्क से आएगा या फिर हीट से आएगा अब किसने बोला भाई इनके बीच का रिलेशन निकाल दो इसके लिए मेरे पास कौन आया इसके लिए मेरे पास कौन आया ठीक है इसके लिए मेरे पास कौन आया वो आया अपने पास फर्स्ट लॉ ऑफ चेंज इन एनर्जी को डिस्क्राइब करने के लिए इसको कैलकुलेट करने के लिए मैथमेटिकली 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 कैलकुलेट करने के लिए बाय मैथमेटिकल इसका फॉर्मुलेशन जो है किसने किया बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनिक्स बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनिक्स थर्मोडायनिक्स का फर्स्ट लॉ इन दोनों को मैथमेटिकली कैलकुलेट करना सिखाएगा और इसी के ऊपर अब चलते हैं इसी के ऊपर चलते हैं, ठीक है इसी के ऊपर चलते हैं, ये देख लो

कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का स्टेटमेंट क्या होगा कि एनर्जी क्या होगा एनर्जी क्या हो रही होगी एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड क्यों क्योंकि सर एनर्जी हमेशा क्या रहती है रो कितना डिफिकल्ट लॉ है सर द टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज कॉन्टेंट सर ऑब्वियस है टोटल एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट थ्रू आउट इट मतलब कहानी वही है कि एनर्जी का भैया जो शुरू में रहेगा वही बाद में रहेगा इनिशियल और फाइनल एनर्जी सेम रहेगी एनर्जी के अंदर चेंजेस नहीं आते हैं यही बात फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडानिक बोल रहा है स्टेटमेंट यही है लेकिन अगर मैथमेटिकली देखोगे मैथमेटिकली देखोगे तो मैथमेटिकली इसका रिलेशन निकालेंगे अभी थोड़ी देर में देख लो सर सर सीधी सी बात है मैथमेटिकली क्या होगा थोड़े सर देखो ये अलग अलग टाइप के कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का स्टेटमेंट कोई ये लिखना चाहे कोई ये लिखना चाहे कोई ये लिखना चाहे तीनों एक ही बात कह रहे हैं बस कहानी में अलग अलग होता है ना कि भाई कुछ लोग होते हैं ना कि भाई एक ही जैसे इंग्लिश में ऐसे लिखने को आता था कि इनवायरमेंट के ऊपर ऐसे लिखिए ठीक है या पॉल्यूशन के ऊपर ऐसे लिखे जो होता है ना दो चार लोग होते हैं जो लिखते हैं कि इन्वायरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस वी कैन नॉट लिव विदाउट इन्वायरमेंट पहला स्टेटमेंट ऐसा लिख दिया कि एनवायरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस फिर दूसरा स्टेटमेंट वी कैन नॉट लिव विदाउट इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ दो तीन स्टेटमेंट एक ही लिख दिया वही वाला हिसाब किताब है कहना सब यही चाहते हैं कि इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और तुम्हें भी पता है सबने इंग्लिश में यही लिखा है सबने इंग्लिश में यही किया है सबने ऐसे ऐसे में यही लिख रखा था कि दो तीन लाइन तो आदमी कॉमन ही कर देता है दो तीन लाइन तो कॉमन ही कर देता है एक ही जब तक टीचर भी बोल दे अंदर से टीचर ही बोलते कि बेटा कुछ आगे बता दे एनवायरमेंट इज हाँ कि सर एनवायरमेंट इज वेरी गुड फॉर स्टडी एज वेल एज फॉर आवर लिविंग ऐसे कुछ भी लिख रहे हैं ठीक है सब लोग ऐसे ही लिखते हैं ठीक है देखो अपने अभी कॉलेज में जाओगे तो यही सीखोगे कॉलेज में जाओगे तुम्हें पता होता है कॉलेज में आंसर लिखने के लिए नॉलेज होना जरूरी है अच्छा आंसर लिखने के लिए लेकिन अगर सही आंसर नहीं, नहीं पता है तो भी आप आंसर लिख सकते हो क्यों क्योंकि क्वेश्चन आपके पास है उसको बस तोड़ मरोड़ के लिखते रहो इतनी बार तोड़ मरोड़ के लिख दो कि सामने वाले को लग जाएगा हाँ भाई यही होता है ठीक है जैसे ये देख लो ये तीनों स्टेटमेंट एक दूसरे के बड़े भाई है ठीक है चलो <laughs> ये, इनर्जी उसकी भी इनर्जी क्या होगी थ्रू आउट सेम रहेगी देखोगे तो इसी के स्टेटमेंट को मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन क्या करते तो वही चीज हमने जो अभी पढ़ रहे थे कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी को दो ही तरीके से लाया जा सकता है या तो हीट को फ्लो करने दिया जाए या इवॉल्व करने दिया जाए या तो वर्क करने दिया जाए या वर्क डन बाई द सिस्टम हो जाए तो सर याद रखिएगा इन इंटरनल एनर्जी का चेंज दो तरीके से आ सकता है Q प्लस डब्ल्यू इंटरनल एनर्जी का चेंज ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ये क्या है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है किसका फर्स्ट लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनिक्स फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनिक्स कि सर जो इंटरनल एनर्जी का जो चेंज आएगा वो दो ही तरीके से आ सकता है कौन कौन सा है? हीट और वर्क डन से याद रखना क्यू प्लस डब्ल्यू क्यू प्लस डब्ल्यू हिट प्लस वर्गडन से याद रखिएगा वही माइनस हो जाएगा तो इसलिए फिजिक्स में ये माइनस इधर जाके प्लस हो जाता है फिजिक्स का फर्स्ट लॉ और केमिस्ट्री का फर्स्ट लॉ थोड़ा डिफरेंट इसलिए है बिकॉज हमारा वर्क डन का साइन कन्वेंशन अलग है हमने क्यू प्लस डब्ल्यू को लिया

ज्यादा किसकी दिक्कत आएगी साइन कन्वेंशन को बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं यहां पे याद रखना साइन कन्वेंशन को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना है क्यों क्योंकि अगर साइन कन्वेंशन फॉलो नहीं किया आपने स्ट्रिक्टली तो भैया ये आपको रुला देगा यह आपको रुला देगा स्ट्रिक्टली फॉलो साइन कन्वेंशन क्योंकि इसके न्यूमेरिकल्स में जान नहीं होती सिर्फ और सिर्फ रुलाता कहां पर है अगर आप साइन कन्वेंशन फॉलो नहीं करते हो सही से तो क्योंकि एग्जाम हॉल में यही दिक्कत कर देगा जैसे आप क्वेश्चन देखना इतना डिफिकल्ट लॉ है इतना स्टेटमेंट डिफिकल्ट है सर डेल्टा यू का चेंज हीट प्लस वर्क डन लेकिन अगर क्वेश्चन होगे ना तो सिंपल सा सिंपल क्वेश्चन आते हैं देखना अपने पास अ सिस्टम अम अ सिस्टम से हंड्रेड जूल्स ऑफ हीट सर आंसर निकालो सेवन हंड्रेड जूल्स ऑफ हीट एंड डज अ वर्क ऑफ थ्री हंड्रेड जूल्स एक सिस्टम है कैलकुलेट कैलकुलेट इंटरनल एनर्जी चेंज कैलकुलेट इंटरनल एनर्जी चेंज इन द सिस्टम के अंदर इंटरनल एनर्जी का चेंज निकाल के बताओ इंटरनल एनर्जी के चेंज निकाल के बताओ क्या आएगा कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी चेंज बताओ क्या आएगा इसके अंदर डेल्टा यू चेंज इन सिस्टम क्या आएगा सर यहाँ बस एक ही चीज का ध्यान रखना साइन कन्वेंशन का साइन कन्वेंशन का अगर आप भूल जा रहे हो बार बार तो हीट को ऐसे लिख दो प्लस में क्यों क्योंकि सर एब्जॉर्व कर रहा है सर वर्क डन बाय द सिस्टम है तो माइनस क्या लिख देंगे फायर फोर हंड्रेड ये थ्री हंड्रेड कितना आ जाएगा सॉरी माइनस थ्री हंड्रेड जूल्स कितना आ जाएगा माइनस थ्री हंड्रेड जूल्स आ जाएगा और डेल्टा यू क्या होता है क्यू प्लस डब्ल्यू होता है क्यू की वैल्यू कितनी हो गई प्लस में और ये कितना हो गया माइनस में कितना आ जाएगा सर थ्री हंड्रेड जूल्स आ जाएगा कितना आ जाएगा अरे क्या हो गया यार हाँ सॉरी माइनस थ्री हंड्रेड तो कितना आ जाएगा प्लस फोर हंड्रेड जूल्स आ जाएगा प्लस फोर हंड्रेड जूल्स आ जाएगा एग्जाम हॉल में जब भी क्वेश्चन दे साइन कन्वेंशन फॉलो करना नहीं तो भैया बर्बाद हो जाएगा पूरा का पूरा क्वेश्चन खराब हो जाएगा पूरा का पूरा क्वेश्चन खराब हो जाएगा याद रखना अपने पास सर ये ध्यान रखना जब भी क्वेश्चन देगा कब जब भी क्वेश्चन दिया जाएगा ऐसा दिया जाएगा कि सिस्टम या ऐसे में अब चलो सर हो सकता है आपके ऊपर ऐसे भी क्वेश्चन दिए जाए ऐसे भी क्वेश्चन दिए जाए कि एक सिस्टम है देखना ध्यान से अगर ऐसा साइन दिया हुआ है हीट अपने पास 200 सौ जूल देखना वर्ड्स वाला बिना वर्ड्स के क्वेश्चन डेल्टा यू कितना आएगा बताओ अगर बिना वर्ड्स लिखे हुए सिर्फ साइन बताया हुआ है अगर सिर्फ साइन बताया जा रहा है तो क्या आएगा डेल्टा यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी कितनी आ जाएगी डेल्टा यू की वैल्यू कितनी आएगी डेल्टा यू कितनी आएगी जल्दी डेल्टा यू कितनी आएगी भाई कितनी आ जाएगी डेल्टा यू यहां देखना इसका मतलब क्या होता है हीट रिलीज हो रहा है ऑब्बियस है एरो देख लो कभी कभी क्वेश्चन में जरूरी कि ऐसे वर्ड दिया जाए ये ऐसे भी लिखा जा सकता है कि हीट रिलीज कर रहा हूं तो हीट रिलीज हो रहा है Q प्लस डब्ल्यू हीट यहां रिलीज हो रहा है तो हीट कितना हो गया माइनस टू हंड्रेड सर वर्क डन ऑन द सिस्टम एरो किधर की तरफ है सिस्टम की तरफ है मतलब हम सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं तो ये कितना आ गया दो सौ आ गया ये कितना आ गया 200 जूल आ गया प्लस 200 हंड्रेड जूल्स आ गया आपको सर क्वेश्चन आपको जरूरी नहीं कि एग्जाम हॉल में आपको क्वेश्चन ऐसे हमेशा ऐसे वर्ड में दिया जाए ऐसा भी दे सकता है कि सिस्टम से हीट निकल रही है कितनी 200 जूल आ कितना रहा है वर्क 400 जूल निकाल दो किसने ऐसे लिख दिया ये देखना अपने पास सिस्टम एक्सपेंस इट्स वॉल्यूम फ्रॉम टू लीटर

कैलकुलेट डेल्टा यू कैलकुलेट डेल्टा यू डेल्टा यू कैलकुलेट करके बता दो कैलकुलेट डेल्टा यू डेल्टा यू कैलकुलेट करके बता दीजिए क्या होगा अब देख लो यहां पे क्या दिया है सर आपका वॉल्यूम एक्सपेंशन हो रहा है एक्सटर्नल प्रेशर दिया हुआ है हीट दिया हुआ है डेल्टा यू निकालना है डेल्टा यू कैसे निकालोगे डेल्टा यू कैसे निकालो बेटा हीट यहां पे रिलीज हो रहा है ना बाहर की तरफ साइन दे रहा है मतलब हीट क्या कर रहा होगा सिस्टम हीट लूज कर रहा होगा तभी तो बाहर की तरफ हीट है वर्क डन ऑन द सिस्टम ये किसको रिप्लाई कर रहा ये क्या बता रहा है वर्क डन ऑन द सिस्टम ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये पिक्चर किसको रिप्रेजेंट कर, कर रहा है वर्क डन ऑन द सिस्टम ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हीट रिलीज्ड बाय द सिस्टम हीट रिलीज्ड बाय द सिस्टम है सर पिक्चर वाइज कभी कभी क्वेश्चन में वर्ड्स ना लिख के पिक्चर भी दिया जा सकता है इसीलिए ऐसा पिक्चर बनाया गया है और कुछ नहीं कितना हो जाएगा ध्यान से देख लो अपने पास सर हीट तो दिया हुआ है हीट कितना है पता है सर हीट कितना हो गया सर क्यू की वैल्यू प्लस में कितना हो जाएगा सात डन कितना होगा तो सर वर्क डन आप क्या लिखोगे माइनस माइनस एक्सटर्नल फाइनल इनिशियल सर वर्क डन कितना हो गया सर पी एक्सटर्नल कितना है फाइव एटीएम वॉल्यूम फाइनल कितना है सर थ्री माइनस टू कितना हो जाएगा माइनस फाइव लीटर एटीएम और इसको अगर मैं लिखना चाहूं, -5 हो क्यूं? सर, आप कर रहे हो सर डेल्टा यू का चेंज निकालने जाओगे क्या होगा क्यू प्लस डब्ल्यू क्यू की वैल्यू कितनी है सात सौ डन कितना हो गया माइनस पांच सौ छह पॉइंट पांच यही होगा शायद यही होगा निकाल ले भाई कितना हो जाएगा निकाल ले अपने पास अब इसको निकाल दे अपने पास 193.5 नाइनटी थ्री आ जाएगा 193.5 नाइन्टी जूल्स आ जाएगा इंटरनल एनर्जी क्या हो रहा है आपका ये ऐसे बढ़ रहा है इंटरनल एनर्जी आपका क्या हो रहा है बढ़ रहा है हो गया हाँ इंटरनल एनर्जी 193.5 नाइन्टी थ्री आ जाएगा 193.5 नाइन्टी थ्री आ जाएगा निकाल लो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देख लो भाई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देख लो क्या हो जाएगा उसके हिसाब से कर लो हो जाएगा सर वर्क डन निकालना है वर्क डन निकालना है तो वर्क डन उसके हिसाब से निकालो भाई उसके हिसाब से निकालो ठीक है हो जाएगा चलो अब एक बात बताओ यहाँ पे वर्क डन दिया है नहीं दिया है क्या फर्क पड़ रहा है वर्क डन दिया है नहीं दिया है क्या फर्क पड़ रहा है भाई तू अपने ऊपर फोकस कर कि हाँ भाई मुझे कैसे कैसे चीजें रिलेट करनी है सर वर्क डन एक्सपेंशन है तो वर्क डन नेगेटिव आएगा सर हीट एब्सॉर्व कर रहा है तो पॉजिटिव आएगा इंटरनल जी क्या हो गई वन नाइट थ्री साइन कन्वेंशन में प्रॉब्लम आ रही है बेटा ये साइन कन्वेंशन तो कल ही बता चुका हूं शायद वह हीट एब्बॉर्व कर रहा है तो प्लस और एक्सपेंशन कर रहे हो यार खुद से लॉजिक लगाओ ना अगर एक्सपेंशन कर रहे हो मतलब तुम वर्क कर रहे हो तो एनर्जी क्या करोगे लूज करोगे ना बेटा माइनस होगा एनर्जी क्या करोगे लूज करोगे आंसर निकाल लो हो जाएगा जूल में कन्वर्ट करने के लिए लीटर एटीएम का शायद आज क्लास की शुरुआत में ही बताया था लीटर एटीएम का जूल में कन्वर्जन मैंने बता दिया था कि सर जूल में कन्वर्जन कैसा करेंगे जूल में कन्वर्जन कैसा कर रहे होंगे ये देख लो जूल में कन्वर्जन करेंगे तो उसके लिए निकाल लो जूल में कन्वर्जन सर लीटर एटीएम को जूल में कन्वर्ट कर लो हो जाएगा ये देख लो कहीं भी क्वेश्चन दिया हुआ है जैसे मान लो ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया है चलो एक बात बताओ स्टेट फंक्शन क्वेश्चन का आंसर बताओ आइडेंटिफाइ द स्टेट फंक्शन एमंग द फॉलोइंग कौन सा स्टेट फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है हीट और वर्क हीट और वर्क ये स्टेट फंक्शन नहीं है हीट और वर्क क्या होते हैं पांच फंक्शन होते हैं हीट और वर्क क्या होते हैं पांच फंक्शन होते हैं लेकिन सर दो स्टेट फंक्शन दो पाथ फंक्शन का सम जो होता है दो पाथ फंक्शन का जो सम होता है वो क्या हो जाएगा Q प्लस डब्ल्यू डेल्टा U ये क्या हो जाएगा एक स्टेट फंक्शन रिप्रेजेंट करेगा क्या याद रखना कभी कभी एग्जाम हॉल में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सर सम ऑफ टू पाथ फंक्शन सम ऑफ टू पाथ फंक्शन सर ये देख लो ये तो पाथ फंक्शन ये क्या है पाथ फंक्शन है ये अपने पास Q बाई डब्ल्यू इसका कोई लॉजिक नहीं बनता Q प्लस डब्ल्यू और Q माइनस डब्ल्यू ऑब्वियस है इसको हम लोग क्या बोलेंगे डेल्टा U और ये क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा पाथ स्टेट फंक्शन ये क्या हो जाएगा स्टेट फंक्शन तो याद रखिएगा दो पाथ फंक्शन का सम एक स्टेट फंक्शन भी हो सकता है इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होगी ठीक है इसको बहुत बड़ी चीज नहीं करने वाले ठीक है तो ये देख लो अपने पास सी इज द आंसर सी इज द करेक्ट आंसर सी इज द करेक्ट आंसर Is the answer, Q plus w, क्या हो जाएगा Q minus, अब बोले सर sign में w तो minus भी हो सकता है बेटा वो एक case हो गया ना अब वो एक स्पेशल केस हो गया ना एक स्पेशल केस हो गया कि भाई सर डेल्टा यू हम लोग हमेशा हीट प्लस वर्गडन को लेते हैं ठीक है ना हीट प्लस वर्गडन को सम करेंगे तो क्या आ जाएगा स्टेट फंक्शन आ जाएगा थर्मोडा का फर्स्ट लॉ बेटा ऐसे डिफिकल्ट नहीं होता ये वाले क्वेश्चंस तो आप कर ही लोगे सर ये वाले क्वेश्चंस में आपको डिफिकल्टी नहीं आएगी ये बहुत बड़ी चीज नहीं है वर्क डन निकालना है हीट निकालना है साइन कन्वेंशन फॉलो करना है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइस पता है डिफिकल्ट क्यों बन जाता है बिकॉज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडानेमिक्स में पता है क्या आ जाएगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइम्स में टाइप्स ऑफ

नेक्स प्रोसेस में सबसे पहले कौन सा प्रोसेस आएगा सबसे पहले प्रोसेस देखते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस का मीनिंग क्या होता है आइसोथर्मल आइसो मतलब इक्वल सेम मतलब क्या कांस्टेंट रहेगा यहां पे टेंपरेचर क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा अगर आपका टेंपरेचर कांस्टेंट है तो डेल्टा टी की वैल्यू डेल्टा टी की वैल्यू क्या होगी जीरो होगी टेंपरेचर फाइनल माइनस इनिशियल क्या होगा जीरो होगा या फिर हम बोल सकते

तो सर ऐसा बोल सकता हूं कि सर इन आइसोथर्मल प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस में आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा यू किसका जीरो हो जाएगा आइडियल गैस का याद रखिएगा आइडियल गैस का डेल्टा यू क्या हो जाएगा जीरो क्यों क्योंकि सर डेल्टा टी चेंज ही नहीं कर रहा इसकी वैल्यू जीरो तो ये भी जीरो अरे भाई सीधी बात है ना तुम बोल रहे हो मैं इसके ऊपर डिपेंड कर रहा हूं तो सर ऑब्वियस है ना ये चेंज नहीं कर रहा तो ये भी चेंज नहीं करेगा आइडियल गैस का डेल्टा यू क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा डेल्टा यू आइडियल गैस का क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा अगर मैं यहां पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनिक्स लगा दू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनमिक्स लगा दूं तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनमिक्स के हिसाब से ये देख लो डेल्टा यू किसके इक्वल क्यू प्लस डब्ल्यू और अगर आपका यही जीरो हो गया तो यहां से अब दो चीजें निकल के आती हैं क्यू की वैल्यू माइनस डब्ल्यू या फिर डब्ल्यू की वैल्यू क्या लिख सकता हूं माइनस क्यू आइसोथर्मल केस में याद रखना आइसोथर्मल के केस में आइसोथर्मल के केस में आइसोथर्मल के केस में भाई साहब आइसोथर्मल के केस में ऐसा प्रोसेस है आइसोथर्मल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर क्या हो रहा होता है आइसोथर्मल प्रोसेस एक, एक भाई ये ऐसा टॉपिक है ना जहाँ पे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं इसके न्यूमेरिकल्स आएंगे आपने कोई टेंशन मत लो इसके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बहुत आते हैं इस चैप्टर से इसीलिए इतना थ्योरी कर रहे हैं अदरवाइज सर न्यूमेरिकल्स करने में दिक्कत नहीं अब ये न्यूमेरिकल देख रहे हो कितना डिफिकल्ट था इससे पहले वाला न्यूमेरिकल देख रहे हो कितना डिफिकल्ट था ये वाला ये डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आते आपको ये लॉजिक वाले क्वेश्चंस आएंगे बार बार सर इसीलिए इसमें न्यूमेरिकल से ज्यादा थ्योरी पे ज्यादा फोकस हो जाता है क्योंकि यहाँ वर्ड्स ये सब आते हैं देख लो सर एक बात बताओ क्यू इजिकल्स टू माइनस डब्ल्यू लिखा हुआ है ये क्यू इज इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू क्यू का मतलब प्लस यहाँ प्लस है तो इसको क्या लिखेंगे सर आइसोथर्मल प्रोसेस में जितना हीट एब्सॉर्व करेगा सिस्टम हीट एब्जॉर्ड बाय सिस्टम इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वर्क डन का मतलब क्या होगा माइनस ऑफ वर्क डन का मतलब क्या हो जाएगा कि सर अपने अंदर कोई चेंज नहीं करना है याद रखना आइसोथर्मल का मतलब क्या हो गया कि सर मैं अपने अंदर कोई भी चेंज नहीं करूंगा मैं अपने अंदर कोई भी चेंज नहीं करूंगा आइसोथर्मल का मतलब मैं अपने अंदर कोई भी चेंज नहीं करूंगा मैं जितना हीट एब्सॉर्व करूंगा उसको वर्क डन में कन्वर्ट कर दूंगा या फिर या फिर अगर मैं ऐसे लिख दूं कि सर सर डब्ल्यू इज इक्वल्स टू माइनस क्यू तो इसका मीनिंग भी क्या हो जाएगा ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा वर्क डन ऑन द सिस्टम जितना सिस्टम पे वर्क हो रहा है सर साइन कन्वेंशन पढ़ा है पॉजिटिव वर्क डन मतलब वर्क डन ऑन द सिस्टम इज इक्वल्स टू हीट रिलीज बाई द सिस्टम ये एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे आपके लाइफ में हीट रिलीज बाई द इंटरनल एनर्जी का चेंज क्या हो जाएगा जीरो इंटरनल एनर्जी का चेंज क्या हो जाएगा जीरो तो भैया यहां पे क्या हो जाएगा जितना आप हीट एब्जॉर्ब करोगे उतना वर्क डन कर दोगे या जितना वर्क डन आपके ऊपर होगा वो हीट के फॉर्म में क्योंकि आपको अंदर मतलब ये ऐसा प्रोसेस है जिसको अपने पास पॉकेट में पैसा नहीं रखना जितना सरकार देगी ये ऐसा नेता है जो अपने पॉकेट में पैसा नहीं रखेगा जितना सरकार देगी जनता को काम करने के लिए उतना उठा के दे देगा या जितना जनता उसको वोट देगी उतना सरकार को दे देगा ये वो वाला नेता है इसके अंदर क्या है कोई भी अपने

आएगी हमने ये सब चीजें कहाँ पढ़ी थी लॉन पढ़ी थी हमने ये सब चीजें कहां पढ़ी थी पढ़ी कि सर प्रेशर टेम्परेचर अगर कॉन्स्टेंट है तो सर प्रेशर वर्सेज वॉल्यूम का जो ग्राफ बनता है वो कैसा ग्राफ बनता है ये ऐसा ग्राफ बन जाता है तो सर ये रिवीजन ही हो गया आपका एक टाइप से ये ये ही ही हो गया आपने पास ठीक है कर दिया हम लोगों ने अपने कि लो, शुरू किया था आइसोथर्मल कि प्रोसेस में आइडियल गैस में डेल्टा यू की वैल्यू जीरो जितना डन हीट में उतना हीट डन में और यहाँ पे ये सब चीजें भी कॉन्स्टेंट रहेंगी ये सब चीजें भी कॉन्स्टेंट रहेंगी अब आपकी मर्जी अब कोई चाहे गया अरे सर ये कैसे आया एक बोल रहा है सर ये कैसे आया भाई ये जादू है जाके देखना वहां नोट्स में करवाया गया है डीपी बाई डी की वैल्यू माइनस पी बाई वी बताया गया है आइसोथर्मल प्रोसेस में याद रखना आइसोथर्मल प्रोसेस में हमेशा टेम्परेचर कॉन्स्टेंट अभी वर्क डन वर्कडन वर्कडन सब निकालेंगे पहले आप जान तो जाओ प्रोसेस क्या है जान तो जाओ प्रोसेस क्या है ये देखो मेरे से कोई बोल दे कि सर आइसोथर्मल के बाद आइसोथर्मल के बाद अगर तुमसे कोई पूछ दे कि सर एक बाय काम करते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस है एक काम करते हैं आप एक काम कर दो आइसोकोरिक प्रोसेस बताओ आइसोकोरिक कोरिक प्रोसेस किसको बोलते हो बेटा चलो बताओ आइसोकोरिक कोरिक प्रोसेस आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है जाए? जा जाए? मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया सर वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया इसका मतलब देखना डेल्टा वी की वैल्यू जीरो या फिर हम बोल सकते हैं कि वी फाइनल माइनस वी इनिशियल इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो एग्जाम हॉल में तुम्हें लगता हो ना इसके ऊपर जीरो नहीं वॉल्यूम कॉन्स्टेंट हो जाएगा चेंज इन वॉल्यूम इज फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब ये होता है आपसे ये वर्ड पूछे जाते हैं थर्मोडाइक्स के क्वेश्चन देखना जाके पता चले आपको पता चल जाएगा कि हाँ सर सर इतना ये थ्योरी थ्योरी क्यों करा रहे इसके क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा गया तो पूछ ही नहीं रहे तीन चार साल से ये देख लो आइसोकोरिक प्रोसेस वॉल्यूम कांस्टेंट है डन क्या होता है माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा भी भैया सर डन क्या हो जाएगा आपका जीरो हो जाएगा आइसोकोरिक प्रोसेस ऐसा है अगर इसके ऊपर आप फर्स्ट लॉ लगाते हो थर्मोडाइनमिक्स का आइसोकोरिक प्रोसेस में अगर फर्स्ट लॉ लगाते हो थर्मोडाइनमिक्स का तो देखना एक नई चीज क्या निकल के आएगी इसके अंदर ये ऐसा सिस्टम है जो वर्क नहीं करेगा ये ऐसा सिस्टम है जो वर्क नहीं करेगा सर वर्क नहीं करेगा तो इसके अंदर जितना भी इंटरनल एनर्जी होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा हीट के इक्वल हो जाएगा लिख सकते हैं देखना ध्यान से सर जितना भी चेंज हीट दोगे वो सारा का सारा सर किसके इक्वल हो जाएगा हीट के इक्वल मतलब मैं लिख सकता हूं ये किसके इक्वल हो जाएगा हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम जब आप वर्क नहीं करोगे एक बात बताता हूं देख लेना यहां से डेल्टा यू यहां से एक लाइन बताने वाला ऐसे तो हीट क्या होता है पाथ फंक्शन याद रखना है लाइन सुनना ऐसे तो हीट क्या होता है पाथ फंक्शन बट इन फंक्शन इन आइसोकोरिक प्रोसेस हीट बिकम स्टेट फंक्शन आइसोकोरिक प्रोसेस में हीट किसके इक्वल हो जाएगा स्टेट फंक्शन के इक्वल हो जाएगा स्टेट किसके इक्वल हो जाएगा स्टेट फंक्शन के इक्वल हो जाएगा ये देख लो सर एक बात बताओ चलो एक सिंपल सी बताना कल से हम फॉर्मूला पढ़ रहे मैं एक बात बता रहा हूं अगर तुमसे कोई पूछ दे कि सर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी निकालनी है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी वो किसके इक्वल हो सकती है क्यूवी के और इसी को मैं लिखना चाहूं तो डेल्टा यू को लिख सकता हूं एनसीवी डेल्टा टी भाई साहब ये कहां से आया याद करना कल पढ़ा था हम लोगों ने इसको हम लोग लिख सकते हैं मोलर हीट कैपेसिटी सर याद करो हीट का कल फॉर्मूला आज भी रिवाइज किया है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम ये देख लो याद करो कुछ याद आए कल हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था क्या है? हीट का फॉर्मूला पढ़ा था अगर टेम्परेचर पे बात करें टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो हीट का फॉर्मूला क्या लिख सकता हूं एनसीबी डेल्टा टी लिख सकता हूं देख लो भाई अब ये अब ये चैप्टर मैंने बोला ना आपको अब पुरानी चीजों को याद दिलाता हुआ चलेगा देख लो स्टेट्स ऑफ मैटर याद दिला दिया यहां आए तो यहां पता चला कल की बात याद दिला रहा है भाई देख ले क्वेश्चन ये सब पूछा जाएगा कि कहां पे कौन से प्रोसेस में हीट स्टेट फंक्शन हो जाता है सर किस प्रोसेस में हीट स्टेट फंक्शन होगा आइसोकोरिक में हीट स्टेट फंक्शन होगा सर आइसोकोरिक प्रोसेस में डेल्टा यू की वैल्यू एनसीबी डेल्टा टी हो जाती है सर याद रखिएगा क्योंकि अरे भाई तुम कुछ वर्क कर ही नहीं रहे ना

हमारी लाइफ में तो मैक्सिमम कितना हो सकता है कोई मैक्सिमम कितना हो सकता है डेल्टा यू कितना एन डेल्टा टी अरे सुनना ध्यान से ये देखो डेल्टा यू डेल्टा यू क्या लिख दिया एन डेल्टा टी यही लिखोगे या फिर इसी को लिखोगे क्यू वी ये देखना ये देखो एक चीज को एक चीज ऐसे फॉर वन मोल अब देखना कैसे डराया जाता है फॉर वन मोल डेल्टा यू की वैल्यू किसके इक्वल आ गई सी डेल्टा टी आ गई सर ये देख लेना एग्जाम हॉल में ना तुमसे इंटरनल एनर्जी का डिफरेंशिएशन सर पूछ देगा ना तो किसके इक्वल आएगा सीवी के या फिर इसी को डी यू बाई डी टी भी लिख दिया जाए कहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर इंटरनल एनर्जी को डिफरेंशिएट करते हो कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर इंटरनल एनर्जी को डिफरेंशिएट करते हो तो वो किसके इक्वल आता है इंटरनल एनर्जी को डिफरेंशिएट करते हो तो किसके इक्वल आता है सीवी के देख लो कितना डिफिकल्ट है कितना डिफिकल्ट है बस ये ध्यान रखना है ये ध्यान रखना है कि भैया इसको बार बार लिख के देख लीजिएगा कॉपी पे देख लीजिएगा अदरवाइज आप इसी को रटते फिर रहे हैं कि अरे सर ये तो अपने पास ये तो अपने को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीज है अब जो जो बंदा जिसको लगता है भाई शॉर्ट नोट बनाओ निकाल निकाल के देखो कि सर ये चीजें मैं कर लूंगा डेल्टा यू की वैल्यू एन डेल्टा टी क्यू वी डेल्टा यू बाई डेल्टा टी सी वी ऐसे निकल के आएगा निकालते रहो हो जाएगा तो ये देख ले भाई अपने पास अरे कल जब क्वेश्चन आएंगे तो यही सब क्वेश्चन आएंगे भाई टेंशन मत लो टेंशन मत लो कल जब क्वेश्चन आएंगे तो यही सब क्वेश्चन आएंगे मैक्सिमम वैल्यू यही सब आएगी यही सब छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे कि सर इस प्रोसेस में कौन से प्रोसेस में क्या होता है यही निकलवाया जाएगा आपसे यही निकलवाया जाएगा आपसे ये देख लो यही सब प्रोसेस निकलवाया जाएगा कि सर कहां पे देख लो ना ये देखो यहां पर वर्डन जीरो हो गया

डेल्टा यू किसके इक्वल आ गया वर्क डन एडिया बेटी के इक्वल आ गया

वैल्यू जीरो हीट क्या हो जाएगा वर्क डन हो जाएगा निकालते रहे भाई ठीक है तो ये देख लेना अपने पास तीन प्रोसेस तीनों में एक एक टर्म जीरो हो गया तीन प्रोसेस और तीनों में एक एक टर्म जीरो हो गया तीन प्रोसेस तीनों में एक एक टर्म जीरो हो गया तो ये क्या कहलाएगा निकाल लो कोई भी चीज पूछे ऐसे निकालते रहना ये अलग अलग प्रोसेस करते रहो कोई एक चीज चलो चलो एक बात बताओ चलो एक और चीज बताना और एक प्रोसेस बताता हूं साइक्लिक प्रोसेस बोला जाए चलो साइक्लिक प्रोसेस बोला जाए साइक्लिक प्रोसेस का मतलब क्या हो गया साइक्लिक प्रोसेस का मतलब क्या हो गया कि सर जहां से चले थे जहां से चले थे मान लो साइक्लिक प्रोसेस लिया गया यहां से चले यहीं पे पहुंच गए साइक्लिक प्रोसेस में क्या जीरो होगा चलो बताओ साइक्लिक प्रोसेस में क्या जीरो होगा डेल्टा यू क्या मान लो जीरो मान लो क्यों अरे सर ये स्टेट फंक्शन है स्टेट फंक्शन क्या हो जाएगा साइक्लिक प्रोसेस अगर कहीं दिया है तो उस केस में स्टेट फंक्शन जीरो हो गया साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा यू जीरो मतलब सर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो यहां पे लगाओगे तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो में डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू सर ये टर्म जीरो हो गया तो Q की वैल्यू किसके इक्वल आ गई माइनस डब्ल्यू के या फिर W की वैल्यू किसके इक्वल आ गई माइनस क्यू के ये हो सकता है जीरो हो ना भी हो आपसे एग्जाम हॉल में ये सब पूछा जाएगा कौन सा टर्म जीरो कहां पे किसकी वैल्यू कितनी होगी जैसा इंटरनल एनर्जी का चेंज किसके इक्वल आ गया एनसीवी डेल्टा टी भैया अब देख लेना अब आज की क्लास से आज की क्लास से अब दिक्कत होनी शुरू होगी क्योंकि कल की क्लास यहीं से फिर से स्टार्ट होगी फिर से दो को दिक्कत आई अरे सर कौन सी टर्म कहाँ जीरो ले रहे कौन सी टर्म कहाँ जीरो ले रहे क्योंकि भैया अब देखो अब ये चैप्टर आपके हाथ से जाना शुरू होगा कल से अगर कोई बैकलॉग लेके बैठा तो भैया कल तो सरदर्द आ जाएगा क्योंकि देख लो कभी कहीं कोई जीरो हो जा रहा है कभी कोई जीरो हो जा रहा है कोई कहीं पे कौन सा अच्छा एक बात बताओ आइसोकोरिक प्रोसेस में आइसोकोरिक प्रोसेस में सब लोग बता सकते हो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर लिख सकता हूं ये कौन सा लॉ था ये गेलुजाक्स लॉ था क्या ये गेलुजाक्स लॉ था क्या सर पी वन पी कॉन्स्टेंट P, P लिख सकता हो या फिर कोई पूछे तो सर यहाँ पे मैं ऐसा भी लिख सकता हूं पी वन बाई टी वन इज इक्वल्स टू पी टू बाई टी टू तो अब सर आपसे इस चैप्टर में थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाएंगे और आप उतने ही ज्यादा इसके ऊपर बर्बाद हो सकते हो क्योंकि इसके न्यूमेरिकल कोई नहीं पूछ रहा कि हाँ भाई डिफरेंस ये दे दिए जाएंगे कल क्वेश्चन जब करने पता चलेगा करने जाओगे तो पता चलेगा कि भाई गेलुजाक्स कहा लगता है कौन से प्रोसेस में गेलुजाक्स लगता है कौन से प्रोसेस में हीट जीरो होता है कौन से प्रोसेस में डेल्टा यू जीरो होता है कौन से प्रोसेस में वर्गन जीरो हो जाता है कौन से प्रोसेस में क्या जीरो होता है उसके बारे में पता चल जाएगा हो जाएगा सर श्योर हो सर अपने पास अब ये छोटी छोटी चीजें आप देख लो साइक्लिक प्रोसेस में देख लो डेल्टा यू जीरो हिसाब से कर लेना तो भाई ये टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है जिसके ऊपर जब करना शुरू करेंगे अब देखो कोई भी क्वेश्चन है कहीं भी क्वेश्चन देखोगे अब देखो ना जैसे ये क्वेश्चन दे दिया अब इस क्वेश्चन को देख लो इस क्वेश्चन का आंसर कोई कैलकुलेशन नहीं होगी जिसको क्वेश्चन समझ में आ गया उसके लिए कोई कैलकुलेशन नहीं है एक मोल आइडियल गैस है एक्सपेंशन कर रहा है क्या आइसोथर्मली एक्सपेंशन कर रहा है इंटरनल एनर्जी का चेंज बताइए कितना आएगा आइसोथर्मल एक्सपेंशन कर रहा है इंटरनल एनर्जी का चेंज बताइए कितना आएगा अब जो लोग करना चाहेंगे वो दौड़ दौड़ के करेंगे और इस और बहुत डिफिकल्ट है इसमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़ेगा कोई न्यूमेरिकल नहीं है क्वेश्चन अपने क्वेश्चन में ही आंसर बता देता है। क्वेश्चन अपने क्वेश्चन में ही आंसर बताता है आइसोथर्मल बोला, बोला और आइडियल गैस में अगर आइसोथर्मल है तो इंटरनल एनर्जी का चेंज क्या हो जाएगा इंटरनल एनर्जी का चेंज कितना हो जाएगा आइसोथर्मल के केस में इंटरनल एनर्जी का चेंज कितना हो जाएगा भाई जीरो कोई कैलकुलेशन नहीं लेकिन ये वही कर पाएगा जिसको मीनिंग पता है सर वर्ड में एग्जाम हॉल में आइसोथर्मल हाईलाइट कर दीजिए और बता दीजिए कि सर आइसोथर्मल है तो इंटरनल एनर्जी का चेंज डेल्टा ई का चेंज कितना आ जाएगा जीरो आ जाएगा डेल्टा ई का चेंज कितना आ जाएगा जीरो आ जाएगा और नहीं तो भैया कैलकुलेट करो करो कैलकुलेट कोई दिक्कत नहीं कैलकुलेशन करते रहिए कैलकुलेशन करते रहिए कैलकुलेशन कर लीजिए सर इसके क्वेश्चन इतने ही डिफिकल्ट होते हैं ये है देखो अगला क्वेश्चन देखना अगला क्वेश्चन देखना इसके ऑप्शन हाँ anyway, इस दो ऑप्शन हो सकते हैं दो ऑप्शन हो सकते हैं मल्टीपल च्वाइस है ये मल्टीपल च्वाइस मल्टीपल च्वाइस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में वर्क डन जीरो प्रोसेस में वर्क डन जीरो मल्टीपल चॉइस है दो ऑप्शंस आ सकते हैं मल्टीपल चॉइस है आप दो ऑप्शंस क्लिक कर सकते हैं कौन से प्रोसेस में डन जीरो होगा किस प्रोसेस में डन जीरो होगा निकालो बताओ कौन से प्रोसेस में डन जीरो होगा कौन से प्रोसेस में डन जीरो होगा देखो किस किस में होगा साइक्लिक में नहीं सर साइक्लिक में डन जीरो नहीं बोल सकते साइक्लिक में डन जीरो नहीं बोल सकते साइक्लिक में डन जीरो नहीं बोल सकते आइसोकोरिक में डेल्टा वी जीरो मतलब डन जीरो एक्सपेंशन में पी एक्सटर्नल जीरो मतलब वर्क डन जीरो तो दो ऑप्शन होंगे कौन कौन से बी और सी कौन कौन से होंगे बी और सी तो ये आंसर आ जाएगा बी और सी दोनों ऑप्शन आएंगे मेरे पास दो ऑप्शन आएंगे बी और सी दोनों ऑप्शन आएंगे तो बी और सी दोनों ऑप्शन आएंगे देख लो बी और सी दोनों ऑप्शन आ रहे होंगे ठीक है, ट्राई कीजिए जितना हो सकता है कि सर इस तरह तो के आराम से कर सकते हो आपको रियल क्वेश्चन नहीं है इस क्वेश्चन को देखो तो ये सिंगल चॉइस क्वेश्चन आराम से पढ़ के देखो लास्ट क्वेश्चन बस इसका खत्म करते क्वेश्चन करके देखो इस क्वेश्चन को करके देखो क्या आएगा कांस्टेंट वॉल्यूम पे है भाई साहब वर्ड्स देखना कांस्टेंट वॉल्यूम पे हैं टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं हीट सप्लाई हो रहा है कांस्टेंट वॉल्यूम पे हैं तो क्या ज़ीरो हो जाएगा कांस्टेंट वॉल्यूम पे हैं क्या जीरो हो जाएगा सर कोई कोई लॉजिक नहीं कोई विद इन सेकेंड अगर आप क्वेश्चंस नहीं कर पाए ना तो दिक्कत हो जाएगी ये सब क्वेश्चन में कुछ करना ही नहीं है भाई सिर्फ आपको एक लाइन पकड़नी है कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब वर्कडन जीरो और वर्कडन जीरो देखो कहां पे है शायद एक ही ऑप्शन दिख रहा है शायद एक ही ऑप्शन दिख रहा है वर्कडन कहां जीरो होगा बी में जीरो होगा अब इस तरह के क्वेश्चन में आपको लगता है कि नहीं सर थर्मोनाइज बहुत डिफिकल्ट है बेटा ये थर्मोनाइज का इजी क्वेश्चन में से एक है आप तभी कर पाओगे जब आप इनके वर्ड्स का मीनिंग समझ पाओगे अदरवाइज कुछ नहीं है से बहुत डिफिकल्ट न्यूमेरिकल्स नहीं आते यहां सिर्फ वर्क जीरो कर दो यही सब कल से मिलेंगे आपको। बस जो आपने किया हुआ है उसी को थोड़ा सा बार बार रिविजन कीजिए अगली क्लास में सर इसके ऊपर क्वेश्चन फिर से दोबारा करेंगे अगली क्लास में फिर से इन सब चीजों पर डिस्कशन करेंगे मॉड्यूल का होमवर्क में ऐड कर दूंगा बाकी डीपीपी आप सब लोग अटेम्प्ट करना शुरू कीजिए क्योंकि डीपी में आज से क्वेश्चन अच्छे आने शुरू हो जाएंगे ओके कल की क्लास में प्लीज बेटा अगर कोई मतलब प्लीज अगर आपका बैकलॉग है आज की क्लास पढ़ के आना क्योंकि कल की क्लास सरदर्द हो सकती है आपके लिए भी मेरे लिए भी ठीक है ना आपके लिए तो सिंपल सा आप तो सीधा एक बार लिख दोगे कि सर बैकलॉग हो गया क्या करूं नहीं समझ में आ रहा लेकिन कभी कभी थोड़ा सा भावनाओं को समझो क्योंकि एक टीचर के लिए शुरुआत के दो तीन लेक्चर तक वो अपना पूरा बैकग्राउंड बनाते हम लोगों ने अब बैकग्राउंड पूरा तैयार कर लिया है थर्माइस का कल की क्लास में बेटा इसका एप्लीकेशन पार्ट आएगा और कल की क्लास में सब कुछ अप्लाई होना शुरू होगा तो आई होप सबसे एक रिक्वेस्ट है प्लीज अपने पहले तीन जो भी क्लासेज आज की क्लास में लाके उसको रिवाइज करके आइए क्योंकि कल से ये चैप्टर आपके हाथ से जा सकता है अगर आप रिवाइज करके नहीं आओगे क्योंकि चीजें छोटी छोटी बार बार यूज होंगी ओके तो ट्राई करो बाकी सब लोग कल हाँ कल केबीडी आ जाएगा कल हमारा केबीडी आ जाएगा और केबीडी के अंदर एक डिस्कशन में केबीडी का एक बहुत अच्छा मुझे किसने पॉइंट बोला है वो मैं आपसे डिस्कस भी करना चाह रहा था केबीडी के अंदर किसने मुझे बोला है कि सर जो मंडे का केबीडी होगा आप तीन दिन ही केबीडी करो मंडे का वेडनेसडे एंड फ्राइडे तीन दिन का के करो बहुत अच्छा प्लान बुलाया उसने। अच्छा प्लान मिला है उसने बताया वो मुझे भी अच्छा लगा उसका देख के मंडे वेडनेसडे फ्राइडे मंडे को आप ना हमें कोई टॉपिक दे दिया करो कंप्लीट चैप्टर कोई एक कंप्लीट कंप्लीट चैप्टर चैप्टर दे दिया करो के आप बोल दिया करो कि सर किस क्वेश्चन दूंगा मंडे को दस क्वेश्चन कराया जाएगा आप मंडे के दस क्वेश्चन हमें दे देना कंप्लीट चैप्टर अच्छा प्लान था मुझे अच्छा लगा मंडे को वेडनेसडे को सर आप पांच क्वेश्चन दो किसके ऑन गोइंग चैप्टर के जो चैप्टर चल रहा है उसके बताओ बाकी तुम लोग अगर अच्छा लगे तो कमेंट कर देना बता देना और फ्राइडे को सर पूरे वीक का जो भी मतलब ऑन गोइंग चैप्टर जो भी वीक का चैप्टर है पूरे वीक का वीक का मंडे टू थर्सडे का क्वेश्चन दे दो मंडे टू थर्सडे के सारे क्वेश्चन दे दो मंडे टू थर्सडे आप सारे क्वेश्चन दे दो इसमें जो भी पांच दस क्वेश्चन जितने भी देने उस बंदे ने ये बोला और मुझे अच्छा भी लगा कि यार ये सही है मंडे को एक टारगेट हो जाएगा सैटरडे संडे आप अच्छे से करके आओ टेस्ट वेस्ट वाला भी टॉपिक उसी बहाने कवर करते चले जाएंगे तो कैसा लग रहा है अगर ऐसे केबीडी खेलना शुरू करें ऐसे थोड़ा केबीडी को और ज्यादा एक टारगेट बेस्ड बना दें ताकि रिवीजन भी आपका साइड बाई साइड चलता रहे तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि हाँ यार वो बच्चा मतलब उसने बोला कि सर हम सैटरडे संडे उसी बहाने पढ़ लेंगे संडे का टॉपिक भी इसी बहाने कवर हो जाएगा बिकॉज मंडे को भी आप पूछोगे तो ये चीज मुझे अच्छी लगी आइडिया अच्छा लगा और मैं भी इसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ देखिए एज टीचर टीचर देख मेरे लिए मेहनत ज्यादा है कि अब एक एक चीज याद रखना लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इसको फॉलो करूँ तो तुम लोग भी कोशिश करो क्योंकि अच्छा कि देखो किसी का वही बोलते हैं ना कि देखो एक टीचर भी अपने स्टूडेंट से कैसे सीखता है देख भाई ये उसने बहुत अच्छा दिया मुझे और मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं इसको अप्लाई करूंगा इस वीक से मतलब अब फ्राइडे को हम लोग पूरा ऑन गोइंग चैप्टर का दस क्वेश्चन करने वाले हैं फ्राइडे को हमारा केबीडी शानदार होने वाला है कल भी थोड़ा बहुत लेके आऊंगा आज वेडनेसडे वाला कल लेके आऊंगा पांच क्वेश्चन लेके आऊंगा जो हमने कल तीन दिन में पढ़ा है है ना? तो करते हैं, अगले वीक से कंप्लीटली चलेगा ऐसा ही चलेगा केबीडी हमारा ऐसा ही चलता रहेगा और ऐसे ही डॉक्टर तो में तब तक पढ़ाई करते रहो एंजॉय करते रहो फीडबैक देते जाना भाई किसी ने याद दिला दिया फीडबैक देते जाना प्यार भरा कमेंट करते जाना ठीक है देखो क्या सिखा रहे हैं कमेंट करते जाना थोड़ा सा रिविजन करके आना अगली क्लास शानदार बनाएंगे तो चलो मिलते अगली क्लास में तब तक के लिए बाय बाय